ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ओवरलैप ऑफ एसएचएम, मतलब दो एसएचएम का जो ओवरलैप होता है, ठीक है, तो दो एसएचएम का ओवरलैप और वो सब कुछ भी हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। उसके दो तीन क्वेश्चन एकदम एचसी वर्मा के लास्ट लास्ट में होते हैं, ठीक है। मैंने क्या 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 बताया था वो क्विकली एक बार आपको छोटा सा रिकैप देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने क्या किया था, राइट। फिर मैंने एक जो मेथड अपने लास्ट में एकदम डिवाइस की थी, पहले उस मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मेरा वीडियो भी आ रहा है ना गाइस, मेरा वीडियो भी आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ वीडियो आ रहा है, तो जिसको नहीं आ रहा है भाई तुमको वो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ एंड सम्स, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। जो एचसी वर्मा की कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी क्वेश्चन अपन ने नहीं किए थे पिछले बार, तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रहा था, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का जो प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगा आपका। तो गाइस सब लोग पहले यहाँ पे देख लो, एक लास्ट का जो चीज था कि एसएचएम होता क्या है, ठीक है। तो मैंने एकदम सिंपल से कुछ कुछ टर्म्स आपको बोले थे। एसएचएम मतलब क्या होता है कि सपोज एक एक ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये दोनों एक्सट्रीम पोजिशन होती है और ये ब्लॉक मीन पोजिशन पे होता है। मीन पोजिशन का मतलब होता है, देखो मीन पोजिशन का मतलब होता है कि इस पोजिशन पे, ठीक है, देर इज नो नेट फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। अब नेट फोर्स की वैल्यू सपोज मुझे बताओ यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, अब ये जो ब्लॉक है ये घूमता रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये मेरा एम्पलीट्यूड है, राइट। अब इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। और ये एक्सट्रीम पोजिशन में ऐसे ब्लॉक घूमता रहेगा। ये अब ये जो था, अब ब्लॉक कोई भी पोजीशन पे, ब्लॉक सपोज इस पॉइंट पे है, ब्लॉक ऑफ मास इस पॉइंट पे, तो ध्यान में रखना देयर इज ऑलवेज द फोर्स व्हिच इज एफ इज इक्वल टू, क्या कौन सा फोर्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स करके एक फोर्स आएगा, मतलब बेसिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्स। अब इस टाइप का एक नेचर का फोर्स रहेगा, उस फोर्स के वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दिस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, उसके वजह से एसएचएम होता है, राइट। Yes, sir. ये रिवीजन है। हेडिंग वेडिंग क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही चल रहा है, ठीक है। एक मिनट मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे डिलेड लग रहा है, एक मिनट मैं वापस एक बार आज थोड़ा ऐसे एसएचएम करने के बाद करोगे वेस के छोड़ दोगे, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, आज थोड़ा एसएचएम का जो पार्ट बाकी था उसके बाद आप वेस चालू करोगे कि नहीं करोगे, मतलब खत्म कर दोगे क्लास? नहीं वेव्स नहीं स्टार्ट करूंगा मैं आज, एसएचएम के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अच्छा ओके एसएचएम के क्वेश्चंस है ना, अभी एचसी वर्मा के इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सर, आज फुल मतलब 2.5 आवर का लेक्चर होगा। हाँ आज 2.5 आवर का लेक्चर होगा, तो तुमको क्या लगता है लेक्चर कम हो गया ऐसा? लेक्चर कभी कम नहीं होते भाई। ओके सर। एक तो मेरे को लेक्चर चाहिए, समझ रहे हो, उधर लेक्चर मतलब यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि भाई लेक्चर्स मत रखो, लेकिन आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो जिनके एग्जाम चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपकी नहीं होती है, लेक्चर्स तो अपने चलते ही रहेंगे। सर आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस कब करोगे? यूनिट्स एंड डायमेंशंस लेक्चर रखे, चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है यूनिट्स एंड डायमेंशंस है। सर बोल देते कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आपको करवाया होगा, करवाया ही नहीं होता हमको, ठीक है। तो एक्चुअली वैसे भी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी है वैसे यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस अभी भाई इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद तुम यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो बकवास वाला चैप्टर है, यूट्यूब का रिकॉर्डिंग्स ऐसे ही देख लोगे समझ में आ जाएगा। तभी भी करवाता हूँ मैं, चाहिए तो जिन लोगों का मिस हुआ है उन लोगों को करवा दूंगा मैं। सर यूनिट्स एंड डायमेंशंस में वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। देखो सिग्निफिकेंट एरर, देखो क्या होता है कि जनरली मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस करता हूँ एट द एंड ऑफ 12th, क्योंकि वहां पे एरर एनालिसिस करके जो होता है, एरर एनालिसिस वो बहुत काम की चीज होती है, ठीक है। एरर एनालिसिस करके आता है जो बहुत ही काम का होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर में, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस करके साथ में चलता है उसमें वर्नियर कैलिपर, तो इसीलिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस में लास्ट में क्यों करा था उसका रीजन भी मैंने आपको दिया था, ठीक है। क्यों करा था वैसे लास्ट में, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशंस में बहुत सारे फॉर्मूलेज है जो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज रटने पड़ेंगे क्योंकि उसका यूनिट्स होता है, तो आपको एमएलटी जो फॉर्म होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का वो सपोज आपको करना है,
तो एक बार यूनिट्स एंड डायमेंशंस बाय गौरव सावे करके टॉपिक मतलब हेडिंग डाल दो अपने जेवाईसी के, ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है ठीक है, एक बार देख लो। मुझे लगता है हार्डली, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने देखे है ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग एकदम बैच 3 वाले थे उन लोग के लिए, जिन लोगों ने इवन बैच 1 बैच 2 में नहीं देखा हुआ है गाइस, आपको हार्डली 2 घंटा लगेगा पूरा का पूरा चीज देखने के लिए और समझने के लिए ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सब लोग देख लो, चलो स्टार्ट कर लेते हैं एसएचएम वापस, मैं इस पे आता हूँ। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम होता क्या है ठीक है, तो एसएचएम में पहली एकदम एकदम मतलब एसएचएम का मैं फटाफट फटाफट सारी इक्वेशंस भी लिख देता हूँ और चीजों को एक डिराइव करता हूँ। तो हम लोग पहले ना काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम जो मैंने पिछले इसमें पढ़ाया था, इसका एक छोटा सा रिविजन है ठीक है। तो आप लोग को अलग अलग टर्म्स पता है, मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, ये सारे टर्म्स आपको पता चल चुके हैं ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि बेसिकली एसएचएम होगा, तो एसएचएम होगा मतलब क्या, सपोज ये मेरी मीन पोजीशन है, मैं ऐसे जो कर रहा हूं, अब कोई भी मास एसएचएम कर रहा है तो इतना ध्यान में रखना इसके ऊपर कोई एक फोर्स होना चाहिए, और सपोज ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो दिस फोर्स, ये जो फोर्स होता है ना, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स ठीक है गाइस। ये जो फोर्स होता है, पहले तो एक काम करो, सबके माइक म्यूट होने चाहिए ठीक है, नहीं तो मेरे वीडियो स्विच ऑफ वो होते रहेंगे ठीक है। एफ इज इक्वल टू, जो यहाँ पे जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स करके लिखा जाता है, लेकिन ये वेक्टोरिकल फॉर्म में लिखा जाता है राइट। जनरली हम लोग ये निगेटिव साइन लिखते नहीं है, हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते, तो हम लोग बोलते हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स होना चाहिए, फिर ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, तो के बाय एम एक्स, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर ठीक है। तो हम लोग ने एक चीज सिंपल सी बात बताई थी कि ये जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर, दैट इज माय एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर जो होता है वो के बाय एम आता है, या फिर ओमेगा को हम लोग लिखते हैं रूट ऑफ के बाय एम ठीक है। ये इन जनरल चीज है, ये इन जनरल चीज है, ये एक्चुअली अपने दिमाग में रखना होता है आपको ठीक है। कोई भी इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आना चाहिए ठीक है। तो ये क्योंकि अपने पढ़ा हुआ है, तो एक्सटेंशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ही एसएचएम होगा, तो ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तभी हम लोग उस ऑसिलेशन को एसएचएम बोलेंगे ठीक है। तो ये चीज हो चुकी थी। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था अपने पास एक्सटी वीटी एटी ऐसे 6 इक्वेशंस होते हैं, एक्सटी वीटी एटी 3 हो गए, एक तो अपने को पता ही है, एक हो गया वीएक्स इक्वेशन, एक हो गया एएक्स इक्वेशन, दूसरा हो गया ए, तीसरा हो गया ए, मतलब ये बेसिकली 6 इक्वेशन हो गए ठीक है, जिसमें से अपने को अभी कौन सा पता है, अपने को अभी सबसे जो पहला पता है, अब माइनस साइन भी लगा ही देता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे माइनस साइन भी लगा ही देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन जो मुझे सबसे, जिसके थ्रू हम लोग ने पूरा का पूरा टाइम पीरियड ढूंढा था राइट, इस ओमेगा से, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी, मैं यहाँ पे भी चाहिए तो लिख के रखता हूँ, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई f होता है और 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है ठीक है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। अब इसके थ्रू मैंने डिराइव किया था, डिराइव मतलब हम लोग ने बोला था ये भाई इसका सॉल्यूशन है, उसका बेसिकली इसके अंदर डालोगे तो ये इसका सेटिस्फाई कर देगा। तो एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना, वेयर दिस फाइव नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, और ध्यान में रखना इस चीज को हम लोग बोलते थे फेज एंगल ठीक है, इसको हम लोग बोलते थे फेज, क्योंकि साइन के अंदर तो एंगल ही होता है तो फेज एंगल होता है। ये जो फाइव नॉट था इसको हम लोग बोलते थे इनिशियल फेज, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, इस तरीके से होता था। अब इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। अब वेलोसिटी की वैल्यू अब ए नॉट नहीं लिखता मैं, चलो यार कि अपने को एक ही आदत है तो यही कर लेते हैं। वी की वैल्यू अब dx बाय dt, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट ठीक है। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट ठीक है। अब इस तरीके से आ गया। अब किसी ने बोला सर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो भाई यहां से अपने को पता चल जाएगा वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है ए इंटू ओमेगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इतनी मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ दोनों में, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ठीक है, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई ना भाई, साइन एंड कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो समझ में आ गई। हाँ अब ये 3 इक्वेशन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो अपने को और याद रखना है
वो वेलोसिटी का इक्वेशन होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन भी मैंने याद रखने को बोला था आपको। अब इसमें पता चलेगा कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ये जो है ना वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एट एक्स इक्वल टू, क्या लिख रहा है आपको, एक्स इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली एट एक्स इक्वल टू जीरो डालेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब जब मीन पोजीशन से जब ब्लॉक पास होता है मीन पोजीशन से, तो आपने देखो ना स्प्रिंग को खींचो छोड़ो, तो जब स्प्रिंग ऐसा एसएचएम करती है, मतलब वो जो ब्लॉक को एसएचएम करता है, तो जब मीन पोजीशन से वो जाता है पास होता है तो वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यही चीज मैंने आपको बोली थी, ठीक है। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अब एक्सेलरेशन का तो इक्वेशन पता ही है भाई, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, एंड मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये सारे इक्वेशंस, और एवी का इक्वेशन जो है ना लास्ट का इक्वेशन, वो तो आप डायरेक्टली मैंने आपको बोला था ना किस तरीके से डिराइव कर, किसी ने पूछा तो, ठीक है। तो ये मेरा था बेसिकली काइनेमेटिक्स वाला, एसएचएम का काइनेमेटिक्स। गाइस इतना क्लियर था क्या तुम लोग को, मैंने एक फटक करके रिवीजन दे दिया आपको, ठीक है। साहिल अपन फेज डिफरेंस पे आते हैं, पहले तुम मुझे बताओ ये समझ में आया क्या? सो यू म्यूटेड। तुमको चाहिए, तुमको एक काम करो, चलो एक काम करो, एक मिनट पे वापस सारे इक्वेशन जो मैंने लिखे हुए लिखो, आप लिखो अपने खुद से लिखो सारे इक्वेशन, पहले बिना बोर्ड के, बिना बोर्ड को देख के जो मैंने किया है ना, एक बार से बोर्ड को देखो, ठीक है, उसके बाद खुद से चीज लिखो, क्योंकि आज क्वेश्चन सॉल्विंग में ना बहुत सारा काम में आने वाला है। गाइस कर लो ये चीज, लिखो पहले, और एचसी वर्मा सब लोग लेके बैठो, एचसी वर्मा से आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एचसी वर्मा आपके हाथ में होना चाहिए। हम सर मुझे एक डाउट था, एचसी वर्मा में भी दो तीन बार आया और परसों जो टेस्ट थी उसमें भी आया, उधर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ऐसी इक्वेशन आ रही थी। हाँ तो ठीक है ना, तो वो हाउ इज दैट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होगा, मतलब इसका मतलब फाइन आउट की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 2 ना, ओके या तो इनिशियल फेज चेंज हो गया ना, तो क्या चीज चेंज हो गया, फाइन आउट की वैल्यू चेंज होगी, समझ में आया? यस सर। चलो आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यार समझ में आ जाएगा तुमको, रुको ना मैं भी पहले एचसी वर्मा खोलने दो मुझे भी। और सब लोग इलेक्ट्रिसिटी जहां पर बैठ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी हाँ सब लोग बैठो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे उसका साउंड वेव्स में बल्क मॉड्यूलस का काम आने वाला है, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस का मुझे काम आने वाला है, तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए आपको वेव्स में। लिखो ये सब, लिखना है आपको, नन सर। कोमल क्या सो गई थी क्या पिछले लेक्चर में? सर वो आधा रिकॉर्डिंग देखना बाकी है, सॉरी सर। तो फिर कैसे बैठेगी तू, रिकॉर्डिंग तो देख ले। अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे सब लोग देखो तो कैसे आएगा तुम कैसे जाए, ठीक है, तुम वो देख अभी यहाँ पे देखो इस इधर इतना सपोज हो गया होगा,
तो एकदम सिंपल मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कैसे था। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने एक मेथड आपको बताया था। यहाँ पे जब SHM होता है गाइस यहाँ पे देख लो सब लोग मुझे एक बात बताओ ठीक है। पहले ये मेथड मैंने बताई थी, मेथड वापस बताओ, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर बताऊंगा और फिर अपन लेक्चर में जाएंगे वापस ठीक है। मतलब लेक्चर मतलब अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे। अब पहले मुझे एक बात बताओ, एक मास m यहां से निकलता है, ये होती है मीन पोजीशन, ना मीन पोजीशन x इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन, मीन पोजीशन। मुझे होता है ये ब्लॉक पूरा का पूरा इधर जाके वापस ऐसा जाके पूरा इधर आने के लिए कितना टाइम लगता है टोटल, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं टोटल टाइम पीरियड टी। गाइस इसको हम लोग टोटल टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, टोटल टाइम पीरियड क्या बोलते हैं इसको, टी लगता है राइट। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज एक ब्लॉक जो है, ऐसा पकड़ लो एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग ने उसको खींच, मतलब चलो स्प्रिंग से लगा हुआ है, ऐसा पकड़ लो एकदम एक्सट्रीम पे, ये एक्सट्रीम पे है पहले एक्सट्रीम। मुझे बताओ सपोज एक पूरा खींच के रखा है और ये सपोज मीन पोजीशन है, मीन x इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन, तो मुझे बताओ ब्लॉक कैसे जाएगा गाइस। ये सपोज x ये a है, एम्पलीट्यूड है इसका, ब्लॉक कैसे जाने वाला है, ब्लॉक ऐसे पूरा पूरा इधर ट्रेवल करेगा, इधर तक जाएगा बराबर, इस तरफ ए तक जाएगा, उसके बाद वापस इधर आएगा, तो जाके वापस आने के लिए टाइम कितना लगता है गाइस, टाइम कितना लगता है कैपिटल टी। और किसी ने बोले कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, तो भाई तुम लोगों को पता है 2π रूट ऑफ क्या था, m बाय के, याद है कि नहीं है? टाइम पीरियड 2π रूट ऑफ m बाय के होता है, याद है? वो अपने सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड कितना होता है 2π रूट ऑफ l बाय g राइट। राइट, फिर अपन ने के इक्विवेलेंट एल जी इफेक्टिव वगैरह सब कुछ किया था, वो पहले अपने लेक्चर में किया था, जो भी है। अब ये पूरा का पूरा टाइम होता है, मतलब इधर जाएगा वापस इधर आएगा, टोटल टाइम लगेगा कैपिटल टी, ठीक है? ये था। अब मैंने बोला, अब ध्यान में रखना जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन ने थोड़ा सा वो किया था कि जब हम लोग बोलते कि जो कोई भी SHM करता है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू ए नॉट साइन, ठीक है, या ए नॉट क्यू लिख रहा हूं मुझे पता नहीं, जो भी है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसका ना बेसिकली जैसे अभी किसी मतलब इसने कोमल ने पूछा कि ओमेगा होता है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है अपने SHM में, क्योंकि फ्रिक्वेंसी है वो, 1/टाइम पीरियड नथिंग बट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी है और उसको ही हम लोग एंगुलर वेलोसिटी क्यू बोलते हैं, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था। एंड दिस फाई नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। अब इनिशियल फेज भाई मुझे बताओ, इनिशियल फेज का मतलब ही क्या होता है, व्हाट इज इनिशियल फेज का मतलब? इनिशियल फेज का मतलब होता है टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे हम कहां पे लेंगे वो पार्टिकल को, कहां पे लेंगे, मीन पे लेंगे, एक्सट्रीम पे लेंगे, कहां पे लेंगे, मतलब इनिशियल पोजीशन बेसिकली। मतलब बेसिकली मैंने कैसे डिस्कस किया था, मैं अभी एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री का मेथड बता देता हूं। सपोज मैंने बोला कि एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, टाइम t इज इक्वल टू जीरो, देखो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ये पार्टिकल है जो SHM करने वाला है, इसका एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है आप, ये एम्पलीट्यूड ए है, लेकिन अभी पार्टिकल जो है ना एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब पार्टिकल या ब्लॉक टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, तो मुझे बताओ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जब मैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखूंगा, तो अब मुझे बताओ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, ए टाइम टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू जीरो आ गई, तो मुझे होता है ओमेगा इंटू जीरो कितना होता है, आंसर ए कितना होता है, जीरो प्लस फाई नॉट राइट। तो मुझे होता है साइन फाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो साइन फाई नॉट जीरो कब होगा, जब साइन फाई नॉट की वैल्यू जीरो कब होगी, जब फाई नॉट की वैल्यू भी कितनी होगी, फाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ये कौन सा मेथड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड हो गया ना, ये ट्रिग्नोमेट्री से मैंने किया कि भाई यहाँ पे इनिशियल फेज इस केस में जीरो है, तो ध्यान में रखना फाई नॉट जीरो कब होता है, जब बेसिकली क्या होता है, जब बेसिकली पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है। अब इसी का जो सर्कुलर मोशन वाला बात, सर्कुलर मोशन वाला जो था वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सर्कुलर मोशन वाला बताया था, लेकिन एक काम करते हैं एग्जांपल टू डाल देता हूं। लेट्स से पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पे है, इट इज एट एक्सट्रीम, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज ऑलरेडी एट द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे मतलब एम्पलीट्यूड कितना है इसका, ए। तो अब मुझे बताओ टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे यहां पे है, तो बोला है कि इस केस में फाइंड फाई नॉट की वैल्यू, ठीक है, फाइंड आउट की वैल्यू कितनी होगी फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री मेथड, ट्रिग्नोमेट्री मेथड से कितनी होगी गाइस, क्या करेंगे, इक्वेशन तो अपना पहले जैसा का जैसा लिख देंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. अब मुझे बताओ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी डालेंगे अपन, एक्स की वैल्यू डालेंगे ए, ठीक है. तो ये मैंने डाल दिया ए, एक्स इक्वल टू ए डाल दिया, ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो मतलब ए जीरो हो गया प्लस फाइव नॉट. तो अब मुझे बताओ ए कैंसिल, तो साइन फाइव नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, साइन फाइव नॉट की वैल्यू आ गई वन. ये कब होगा जब फाइव नॉट कितना होगा, फाइव नॉट कितना होगा, पाई बाय टू, 90 डिग्री होगा. तो बेसिकली ध्यान में रखना जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो बाय ट्रिग्नोमेट्री अपने को पता चल गया कि फाइव नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री. समझ में आ रहा है तुमको ये चीज? यस सर. यस. अब ये सेम चीज, ये सेम चीज मतलब मैं एग्जांपल थ्री में दू तो ये मुझे बताओ ये सेम चीज हम लोग ने सर्क्यूलर मोशन से कैसे की थी, ठीक है. अब मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, देखो सर्कुलर मोशन में अपन ने क्या किया था, सर्कुलर मोशन में हमने बोला था पहले ये कंसिडर करना है कि ब्लॉक सपोज आगे पीछे जा रहा है तो ऐसा पकड़ने का कि वो, देखो गाइस ध्यान में रखना मतलब ब्लॉक दिस, दिस मोशन ऑफ द ब्लॉक जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, ये मेरी एक्सट्रीम पोजिशन है, ब्लॉक यहाँ पे आगे पीछे जा रहा है. तो ये जो एक्चुअल है राइट, ये क्वेश्चन है मेरा, उसको हम लोग किस किस एक्सिस पे डालेंगे, किस एक्सिस पे डालेंगे, बेसिकली जो ब्लॉक का जो अलोंग एक्स एक्सिस वाला मोमेंट होता है जो एक्चुअल में एक्सिस जम करता रहता है ब्लॉक, उसको हम लोग अलोंग क्या किस में डालेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है. तो अलोंग वाई एक्सिस पे डालेंगे. अब मुझे बताओ ये सेम चीज मतलब, और फिर मैं क्या करूंगा, देखो गाइस ध्यान में रखना ये एम्पलीट्यूड ए है, ये मीन पोजिशन है, ठीक है, ये होगी इसकी मीन पोजिशन, ये मीन हो गई, ये हो गई दोनों एक्सट्रीम ब्लॉक की, मतलब इन दोनों इसमें वो ब्लॉक अपना मस्त घूमने वाला है, ठीक है. तो ये दो हो गई, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गई बेसिकली कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन. समझ में आ रहा है ब्लॉक, मतलब हम लोग सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं. अब मुझे होता ब्लॉक सपोज, ब्लॉक सपोज यहाँ पे, ब्लॉक सपोज टूवर्ड्स लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब वो यहाँ पे कहाँ पे होगा, इधर होगा. समझ में आ रहा है क्या, ऊपर मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. ब्लॉक सपोज मीन पोजीशन पे, तो वो मीन पोजीशन पे ही होगा. ब्लॉक सपोज बेसिकली निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब इस तरफ है, सपोज ये मैंने ओरिजिन माना तो ये इधर है, तो इसका मतलब वो कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा. समझ में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस इक्वल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सिस इज इक्वल टू निगेटिव एक्स एक्सिस. वो अपन एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं करते, वो कर सकते हैं लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जाएगा. एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हैं लेकिन वो फिर कॉस कंपोनेंट आता है, और कॉस कंपोनेंट नहीं लाना है तो मुझे वो थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा. तो सिंपल ना यार, यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, कन्फ्यूज मत करो खुद को. तो अब मुझे बताओ सिंपल, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि सपोज अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो, और सर्कल का जो रेडियस होगा ना वो इसका एम्पलीट्यूड होगा. देखो ये एम्पलीट्यूड ए है, तो जो सर्कल होगा, तो सर्कल पहले मैं ड्रॉ करूंगा विच इज ऑफ रेडियस कितना, which is of radius which is equal to the amplitude, ठीक है, of the ascension. तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया. अब क्या होता है, अब ऐसा पकड़ लेते हैं ये जो ब्लॉक है, ये एक्चुअल ब्लॉक जो था, मतलब जो ऊपर ऊपर वाले मैंने जो दिखाया मैंने, तो सपोज ये एक्चुअल ऐसा पकड़ लेते कि ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम, ये जो ब्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, लेट्स से द ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, तो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे मीन पोजिशन पे था, ठीक है. तो ब्लॉक यहाँ पे था, देखो मीन पोजीशन पे था, तो मुझे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूमने वाला है वो कहाँ पे होगा, फिर वो कहाँ पे होगा, इधर ही होगा, मतलब सपोज एक्स एक्सिस पे होगा. क्यों, क्योंकि एकदम सिंपल सी बात मैं आपको एकदम बता दूं, सपोज जब ये पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, ध्यान में रखना ये जो सर्क्यूलर मोशन वाला जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे घूमेगा सर्क्यूलर मोशन का, सपोज ये ए होगा, ठीक है, अब वो घूम रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, अपना सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है वो एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो टाइम टी में वो कितना एंगल रोटेट करने वाला है, टाइम टी में कितना एंगल रोटेट करेगा, वो ओमेगा टी एंगल रोटेट करेगा, राइट, और ओमेगा टी, तो ये बेसिकली ए होगा ये ओमेगा टी होगा. तो इसका जो वाई कंपोनेंट है, ध्यान में रखना कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करता है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या करता है, एसएचएम करता है, यही तो मैंने बताया था गाइस. अब किसी ने बोला सर मुझे ये इक्वेशन जो होता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, इस इक्वेशन को मुझे सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करवाओ, तो क्या करेंगे अपन गाइस, क्या करेंगे, एक पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो, अभी ये भूल जाओ, पहले यहाँ पे देखो सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना होगा, ए होगा. ध्यान में रखना जो अपना एसएचएम हो रहा है वो तो अपने वाई एक्सिस पे हो रहा है,
ठीक है, ये एक्चुअल SHM है, उसका करस्पॉन्डिंग हम इमेजिन कर रहे हैं गाइस, गाइस ध्यान में रखना, SHM तो अपना ये हो रहा है अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सब लोग यहाँ पे सुन रहे हो प्रॉपर? यस, ध्यान में रखना, yes, चलो गाइस ध्यान में रखना, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखो अपना पर्पज क्या है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना चाहिए JEE मेंस में, नीट में, दोनों एग्जाम में और इवन एडवांस में, जो लोग एडवांस वाले हैं, ठीक है, तो JEE में एंड नीट में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है आज के सुबह के पेपर में पहले वाले स्लॉट में मैकेनिक ज्यादा आया था JEE में, ठीक है, मैकेनिक ज्यादा आया था, तो जो लोग मैकेनिक ज्यादा अच्छे से पढ़ के गए थे वो मतलब खुश हो गए बेसिकली, ठीक है, तो जो भी है, और बहुत कम नॉर्मल लेवल का आया था, इतना एकदम हाई फाई लेवल नहीं था। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, SHM ध्यान में रखना, SHM जो है वो पूरा का पूरा, मतलब ये जो पूरा वाई एक्सिस है वो मेरा एक्चुअली ब्लॉक SHM कर रहा है। तो हम लोग जो सर्कुलर मोशन कंसेप्ट लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जब पार्टिकल SHM कर रहा है, तो लेट्स से पार्टिकल कुछ पोजिशन पे इस तरफ है, ठीक है, सम टाइम टी वो पार्टिकल सपोज इस तरफ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल होगा वो कहाँ पे होगा, वो कुछ इधर होगा, क्योंकि ध्यान में रखना। तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये जो ब्लू वाला पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, उसका SHM कर रहा है। ध्यान में रखना, ये जो ब्लू वाला पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल का क्या बोल सकते हैं लोग, शैडो, वाई शैडो। तो ये अपना सर्कुलर मोशन करते रहता है, उसकी जो शैडो होती है वो SHM करते रहती है, यही तो मैंने बताया था। अब सपोज ये इसका एम्पलीट्यूड ए होगा, इसका एम्पलीट्यूड ये ए होगा, और मैंने बोला लेट्स से टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, ऐसा पकड़ लेते टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल इधर है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये जो देखो ध्यान में रखना, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे सपोज पार्टिकल इधर है इस पोजिशन पे, तो वो जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, जो अपन ने बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब क्या, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल इधर है, जो एंगल फाई नॉट बना रहा है मेन पोजिशन पे, समझ में आ रहा है। तो मुझे होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो अपना पार्टिकल रहेगा वो कहां पे रहेगा, जो एक्चुअली SHM वाला जो उसकी शैडो रहेगी वो कहां पे रहेगी, इधर रहेगी। तो इसने ए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी शैडो इधर थी, मतलब ऐसे कहे ना अपन ने। अब मुझे बताओ टाइम टी में, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है गाइस, मैं अभी दूसरे कलर में डालता हूं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो मुझे बताओ टाइम टी में वो इधर पहुंचा, टाइम टी में वो इधर पहुंचा मतलब कितना एंगल उसने रोटेट किया, कितना एंगल रोटेट किया उसने, ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल इज इक्वल टू एंगुलर, अभी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, ठीक है, तो ओमेगा टी पे गया। तो अब मुझे बताओ टोटल एंगल कितना हुआ, यहाँ पे टोटल एंगल हुआ ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब मैं यहाँ पे ऐसे करता हूं, इसका ये लेता हूं, तो आपको पता चल जाएगा ये जो होता है, ये जो होता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए, इसका ये साइन कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट, तो ये आएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, समझ में आ रहा है। और ध्यान में रखना ये मेरा SHM का इक्वेशन हो गया। बस कंफ्यूजन इसमें कैसा है कि हम लोग ये बेसिकली वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में अपन वाई लिखते हैं, लेकिन ध्यान में रखना ये मतलब वाई एक्सिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, ऐसा मान लो ना, अभी तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है भाई, वाई एक्सिस को अपन कहीं भी चेंज कर सकते हैं, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस की तरह मान लो यहाँ पे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट निकालेंगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट में आएगा। बोलो सर, इफ वी कंसीडर इट ऑन द एक्स एक्सिस तो फिर वो उसका इनिशियल फेज तो पाई बाय 2 होगा ना, लाइक एक्स एक्सिस पे जब अपन मानते हैं ना, तो तू मुझे बता जब पार्टिकल टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जब मीन पोजीशन पे था तो वो एक्सट्रीम पे होगा ना उसके बेसिकली। हाँ राइट, तो वी लूज द कॉस। हाँ अपन रेफरेंस कहाँ से लेते जनरली, मीन पे मतलब क्या, सेंटर पे, राइट, यस, तो इसीलिए मतलब एक्स एक्सिस पे नहीं अपन वाई एक्सिस पे मानते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। कोई दिक्कत है अभी मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है कि मैं जो क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर, यस। इक्वेशन यहाँ पे बताए, ठीक है, सेम एग्जांपल्स में, ये सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो होती है मतलब थोड़ी सी वापस आपके दिमाग में आएगी और फिर क्वेश्चन करेंगे तो सही रहेगा। तो मैंने एकदम सिंपल से आपको चीज बताई थी कि बेसिकली मैंने आपको ये बोला
कि एक पार्टिकल है, अब मुझे सिंपल सा वो बताओ कि एक पार्टिकल है जो एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पे, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो वो एक्सट्रीम पे है, ठीक है, एक्सट्रीम पे है, तो ये बोला है कि भाई इसका इनिशियल फेज फाई नॉट कितना होगा, तो फाई नॉट बाय ट्रिग्नोमेट्री मेथड अपना कितना आया था, फाइव बाई टू 90 डिग्री आया था, ठीक है 90 डिग्री आ चुका था, लेकिन अब मेरा सर्कुलर मोशन के मेथड से मैं क्या करूंगा भाई, एक्सट्रीम पे है ना, तो मैं पहले सर्कल ड्रॉ करूंगा, अब मेरा जो एक्चुअल जो जो एसएचएम करने वाला पार्टिकल है वो तो इस एक्सट्रीम पे है, अब इस एक्सट्रीम पे होने के लिए मुझे बताओ सर्कुलर मोशन की शैडो वो होती है ना, तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल भी कहां पे होना चाहिए भाई, वो एक्सट्रीम पे है ना, ये एक्सट्रीम पे सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल भी उधर ही होना चाहिए, तो भी तो उसकी शैडो उधर होगी, इसका मतलब मैंने ये रेफरेंस माना, मैंने ये रेफरेंस माना, ये रेफरेंस एक्सिस मानी, तो ये एंगल जो है, ये एंगल जो पाई नॉट होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई टू हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है ध्यान में रखना, अब कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, मैं एग्जांपल एक छोटा सा वापस एग्जांपल बताता हूँ, देखो अब मैंने मीन पोजीशन पे यहाँ पे लिखा, ये मेरा मास m है जो बेसिकली मीन पोजीशन से a बाई टू पे है, और ये हो गई मेरी टाइम t इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन, देखो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे इसका यहाँ पे स्पीड कितना होगा गाइस, इसका यहाँ पे स्पीड कितना होगा, कोई बोल सकता है भाई, जीरो मत बोलो, ध्यान में रखना, नहीं नहीं जीरो नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये एसएचएम ऑलरेडी कर रहा है गाइस, यहाँ पे एसएचएम ऑलरेडी कर सकती है, एसएचएम ऑलरेडी कर रहा है, इसका मैंने क्लिक लिया, क्लिक लिया मतलब फोटो निकाल दिया उस टाइम पे, और बोला मैं टाइम t इक्वल टू जीरो है, समझे, तो वो निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई कोई बोल सकता है कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो ना, इसमें x की वैल्यू क्या डालोगे आप, इसमें x की वैल्यू क्या डालोगे, a बाई टू डालोगे तो v मिल जाएगा, ये सब क्वेश्चन अपने को करने हैं, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ये डालना पड़ेगा। अब मुझे पहले तो बताओ, पहले मैं ये जैसे एक छोटा सा ये मेथड बता के ना उस क्वेश्चन के ऊपर जाने वाला हूँ, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन में इधर से मैंने टाइम को गिनना चालू किया, ये ऑलरेडी एसएचएम कर रहा था अपना, आगे पीछे जा रहा है ऑलरेडी वो, मैंने मैंने क्या बोला, चलो इस इंस्टेंट से टाइम इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट, समझ में आ रहा है, तो बताओ इस केस में इसकी इनिशियल फेज फाइंड आउट कितना होगा। अब दो मेथड है आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पे पंगा देखो कहां पे आने वाला, सर्कुलर मोशन वाला पहले मेथड करते हैं, इस तरफ है मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो मुझे बताओ अपना एसएचएम में पार्टिकल किधर है, एसएचएम जब करेगा तो एसएचएम वाला पार्टिकल है कहां पे, ऊपर, ऊपर एसएचएम वाला पार्टिकल पहले कर लो ना भाई, वो तो कितना है, वो कितने डिस्टेंस पे, यहां से कितने डिस्टेंस पे, a बाई टू डिस्टेंस पे है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ जो सर्कुलर मोशन करने वाला जो पार्टिकल है उसके कितने पोजीशंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, टू, हाँ सर्कुलर मोशन करने वाले इसके पार्टिकल्स के टू पोजीशंस है, एक पोजीशंस कहाँ पे है, एक होगी भाई इधर और दूसरी होगी इधर, तो अब मुझे बताओ कौन सी पोजीशन यहाँ पे होगी, तो उसके साथ साथ इस पार्टिकल के साथ साथ इट डिपेंड्स अपॉन क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेदर दिस पार्टिकल, देखो ये जो पार्टिकल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एक्चुअल एसएचएम जो कर रहा है, वेदर इट इज मूविंग लाइक द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, वेदर इट इज टुवर्ड्स एक्सट्रीम और वेदर दैट पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स मीन, समझ में आ रहा है क्या तुमको, पहले समझ में आ रहा है, यस सर। अब मेरा क्वेश्चन है कि सपोज इफ द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम, द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया है, If this is moving towards extreme, तो अब मुझे बताओ पोजिशन नंबर वन होनी चाहिए, देखो ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये पोजिशन नंबर वन है, पोजिशन नंबर टू है, कौन सी पोजिशन होनी चाहिए, पोजिशन नंबर कौन सी, वन भाई, इतना तो दिमाग चलाओ भाई, इतना तो दिमाग चलाओ, क्योंकि ऐसा घूम रहा है अपना एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है, तो ये वन होना चाहिए। अब वन होने के लिए मुझे बताओ ये वन होगा इस पोजिशन पे, तो अब मुझे बताओ ये वन होगा, तो ये जो एंगल है ये ए हो गया, ये ए बाई टू हो गया, तो इधर का एंगल कितना होगा गाइस, साइन कितना, 30 डिग्री, हाँ तो 30 डिग्री, तो मतलब पाई बाई सिक्स हो गया। अब किसी ने बोला, किसी ने बोला इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स क्या, मीन, टुवर्ड्स मीन, तो ये होती, मुझे बताओ ये होती तो आंसर कौन सा होता, ये होता, यस सर, आंसर ये होता, yes, अब आंसर ये होता, तो मुझे बताओ ये होने के लिए फिर ये एंगल 30 होता, तो टोटल एंगल ये टोटल फाई कितना होता, फिर 120 डिग्री, 150 डिग्री क्या होता, 150,
तो दोनों का आंसर अलग है। देखो इस केस में पहले वाले केस में फाइव नॉट की वैल्यू कितनी आती, 30 डिग्री। दूसरे वाले केस में फाइव नॉट की वैल्यू कितनी आती, 150 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या मुझे पहले बताओ यहाँ पे, अभी इतना समझ में आ रहा है तुमको? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, सर्कुलर मोशन यूज किया। लेकिन कोई बोला नहीं सर हम लोग तो भाई हम लोग तो हमारा तो मैथ बहुत ही अच्छा है, हम तो एडवांस वाले लोग हैं। कुछ लोग बोलेंगे आप में से, बोलेंगे हमको तो ट्रिग्नोमेट्री से ही करना है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री से करना है ना, तो पंगा देखो क्या होता है। देखो क्वेश्चन कितना लंबा बन जाता है। पहले तो मुझे बताओ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, हाँ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो का पूछा, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू कितनी, ए बाई टू है। चलो ए बाई टू कर लिया, ये मेरा ए हो गया, साइन ऑफ ये जो चीज हो गई ये जीरो हो गई यहाँ पे, और प्लस फाइव नॉट हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन फाइव नॉट की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, हाफ। साइन फाइव नॉट की वैल्यू आ गई हाफ। अब मुझे एक बात बताओ, इससे फाइव नॉट के कितने सोल्यूशन निकले, फाइव नॉट के कितने सोल्यूशन निकले? फाइव नॉट फर्स्ट मतलब साइन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आपने बोला भाई चलो सर ठीक है, एक हो गया 30 डिग्री और दूसरा हो गया 150 डिग्री। अब मुझे बताओ आंसर 30 डिग्री या 150 डिग्री, यहां से कैसे पता चलेगा, इधर से कैसे पता चलेगा? कोई भी बिल्कुल। अब असर मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ वी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वी करने के लिए भाई तुमको वापस वी भी तो लिखना पड़ेगा, तो वी यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे साइन मतलब क्या लिखना पड़ेगा, ए ओमेगा, फिर यहां पे क्या करेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ए वी का इक्वेशन भी तो लिखना पड़ेगा ना गाइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको समझ में? यस सर। फिर यहां पे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वापस डालोगे, ठीक है। अब इस केस में अपन देखेंगे 30 डिग्री यहाँ पे डाल के देखेंगे, 150 यहाँ पे डाल के देखेंगे, और देखेंगे कि कहाँ पे निगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा तो भाई मेथड थोड़ा सा तो बढ़ गया ना, तो कॉस 30 तो ध्यान में रखना गाइस, क्यों अपने को क्यों। अब ये तो मैंने एकदम टाइम इज इक्वल टू जीरो की बात कही, मैंने तो वो वाला अभी तक कहा ही नहीं कि इधर से इधर टाइम कितना लगता है, कितना टाइम टी है वगैरह। सर्कुलर मोशन वाला मेथड देखो ये तो ठीक है, इसमें भी तो आप बोलोगे सर ठीक है जिनका मैथ अच्छा फटाफट इससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन फटाफट रखो और आप ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज को मैंने मतलब इसी चीज को मैंने बेसिकली जो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपको कि इधर से इधर कितना टाइम लगता है वगैरह, वो करने के लिए गया, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है क्या, मैंने जो किया था रिवीजन हो रहा है क्या? यस सर। जो लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था उसका रिवीजन, ठीक है। तो एग्जांपल अभी 3 यहाँ पे, अभी आप ये वाला एग्जांपल कर लो आप और मुझे करके दिखाओ जरा, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो फटाफट एक पार्टिकल है, ठीक है, जो निकला यहाँ से ए बाई टू से, सुनो यहाँ पे, और वो गया यहां पे a बाय रूट टू पे, बराबर लिखा ना a बाय रूट टू, मतलब बड़ा होता है a बाय टू से, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा टाइम t इक्वल टू जीरो है, तो बोला है कि यहां से यहां पे आने के लिए कितना, इधर से इधर कितना टाइम जाएगा। समझ में आ रहा है ये इसकी? हाँ, और ध्यान रखना मैं इसका भी मैं एडवांस लेक्चर तो रखूंगा, ठीक है, एडवांस प्लस लेक्चर इसका भी होगा, जब होगा तब देखेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको। तो टाइम टी पे, हाँ बोलो बोलो बोलो, इसका भी वेलोसिटी के डायरेक्शन से दो आंसर्स। यस, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन अभी मैं देता हूँ, जब इनिशियली जा रहा था इसकी वेलोसिटी ये थी यहाँ पे, ठीक है, और जब ये यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पे। समझ में आ रहा है? मतलब ये कैसे जाके आया होगा, ये गया पहले एक्सट्रीम पे गया और एक्सट्रीम से कहां पे आया, इधर आया। समझ में आ रहा है? और ध्यान में रखना ये इसकी मीन पोजीशन है, ये सॉरी ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी मीन है। तो ऐसा पकड़ लो ये टाइम डी को लो जीरो पे यहां पे, कितने टाइम के बाद यहां पे आएगा, लेकिन ऐसा जाके ऐसा आया। निकालो जरा फटाफट आंसर निकालो जरा, देखो कितना है। और जो भी आपका आंसर होगा चैट बॉक्स पे लिखना है, चैट बॉक्स पे आपको आंसर लिखना है।
गाइस आया क्या, लोगों का आंसर आया क्या? अंश एक बार हैंड रेज कर, अंश अंश समझ में आ रहा है क्या? अंश समझ आ रहा है। चलो बाकी लोग तो लिखो। तो अंश तुझे ये सब मेथड पढ़ाया था क्या? ये मेथड पढ़ाया होगा ना उन्होंने? चलो फटाफट, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है फटाफट कर लेगा भाई ये, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री से पहले फाइन आउट निकालना पड़ेगा। पता है ट्रिग्नोमेट्री से इस क्वेश्चन को करने के तो मतलब हालत खराब हो जाएगी आपकी, मतलब मस्त बहुत सारा आपने 3-4 बार इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे उसका आपको एम्पलीट्यूड का भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर वो दोनों टाइम नहीं होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही लंबा जाएगा। किसी को करना है तो करके देखो, ठीक है। अब अपना कैसे करना है? अपना नॉर्मल अपना सर्कुलर मोशन भाई, ऐसा मस्त अपना एक सर्कल बनाओ, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे एक सर्कल बनाओ। सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग? अपना यहाँ पे पहले अपने ना सारे पोजीशंस लिखो। पहला वाला पोजीशन कहाँ पे है? ए बाई टू पे है। तो अपना पहला एसएचएम जो है वो ए बाई टू पे है, तो ये था इसका इनिशियल पोजीशन ए बाई टू पे, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे था। अब इसके बाद फाइनल पोजिशन कहाँ पे? ए बाई रूट टू पे है। ए बाई रूट टू पे है वो यहाँ पे है, तो ये ए बाई रूट टू पे। पहले मुझे तो इतना समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ए बाई टू ए बाई रूट टू, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो हो गए। अब ये कहां पे जा रहे हैं? देखो इसकी वेलोसिटी देखो यहां पे है, तो इसका सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहां पे होगा? इधर होगा इनिशियली, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी जा रही है ऐसे, तो सर्कुलर मोशन तो ऐसे कर रहा है ना अपना, ठीक है। तो इसका इनिशियली सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल तो इधर हो गया। अब घूमते घूमते अब मुझे बताओ ये कहां पे आ रहा है? गाइस ये कहां पे दिख रहा है? टुवर्ड्स कहां पे? टुवर्ड्स कहां पे गाइस? टुवर्ड्स कहां पे? मीन। अब मुझे टुवर्ड्स मीन पे है, इसका मतलब ये क्या? इधर से इधर ये वाला चीज होगा, मतलब इस केस में ध्यान में रखना, इसके भी दो वो होंगे। एक क्या होगा? ये वाला पोजीशन, और दूसरा क्या होगा? ये वाला पोजीशन। मुझे बताओ कौन सा पोजीशन होगा यहाँ पे? पहला वाला, दूसरा वाला, सेकंड वाला, ध्यान में रखना, मतलब ये लेफ्ट वाला, ठीक है, इस वाला। क्योंकि इधर से तो टुवर्ड्स कहाँ पे जा रहा है? एक्सट्रीम पे जा रहा है ना, मतलब किसी ने सपोज वेलोसिटी v1 और v2 की जो वेलोसिटी होगी, v2 की टुवर्ड्स एक्सटेंड दी होती, मतलब उसी डायरेक्शन में होता, तो फिर एंगल कितना घूमता? फिर वो 15 डिग्री एंगल घूमता, मतलब 45-30 वाला, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है भाई? अभी ये वाला पोजीशन है, तो मैं ये वाला पोजीशन हटा देता हूं, ठीक है। तो पहले ध्यान में रखना, इधर से वो कहां पे गया? इधर गया। अब इधर गया तो ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। ध्यान में रखना जो तो जो मेरे जो वेलोसिटीज है वो v1 हो गए, v2 हो गए, अपना आ गया। अब कितना एंगल वो घुमा, अब कितना एंगल घुमा वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बस अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भाई, ये a बाई टू है, ये a है, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। अब मुझे बताओ ये एंगल जो है, ये एंगल कितना हो गया? ये a बाई रूट टू है, देखो यहाँ पे ये a बाई रूट टू है, ये a है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे कितना हुआ? 45 डिग्री हो गया। तो मुझे बताओ ये 30-45 डिग्री, तो बचा कितना? 30 प्लस 45, 75 डिग्री, 180 में से 75 गया, 105, राइट, 105। तो बेसिकली एंगल कितना ये जाएगा? कितना एंगल कवर करेगा? 105 डिग्री एंगल कवर करेगा, सिंपल। तो अपना आंसर क्या है? 360 को टाइम लगा टी,
कि सर्कुलर मोशन है ना भाई, तो 360 को टाइम लगा टी, तो 105 डिग्री को टाइम कितना लगेगा, बराबर ना? तो कितना टाइम लगेगा भाई, 105t डिवाइड बाय 360, इसको थोड़ा सा वो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सर सर, अगर हमें आंसर नॉट इन दिस टाइम पीरियड निकालना होगा, मतलब स्पेसिफिक टी निकालना होगा इन सम कांस्टेंट्स, तो हम क्या करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन में भाई? तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2π रूट ऑफ m बाय k होती है ना भाई, डाल नहीं इधर। हाँ ओके राइट, बराबर ना, और क्या मतलब, तेरे को मास दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, वो दिया रहेगा, निकाल ही सकता है ना तू, कोई दिक्कत है क्या? हाँ बोलो सर। देन इज इट पॉसिबल इन SHM की पार्टिकल बिना एम्पलीट्यूड पे गए ही रिटर्न आ गया a बाय रूट पे? ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता सर? आपने सर आपने ऐसा ड्रॉ किया है सर, t इक्वल्स टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे, यहां पे t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, तो पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आया ना। हां ओके सर, तो जाके आया ना, तो वही तो है ना भाई। या गॉट इट सर, पार्टिकल जो है, नहीं ऐसे कर डायरेक्टली। हाँ अब ये क्वेश्चन में सपोज a बाय रूट टू मतलब क्या, ये इधर से सपोज इधर जाता पार्टिकल, मतलब डायरेक्टली सर्कुलर मोशन है भाई। सर्कुलर मोशन जब ऐसा कर रहा है तो इसकी शैडो देखो ना, एक बात बताओ मुझे थोड़ा सा, इमेजिन करो यार, ये सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, उसकी शैडो से ऊपर जाके ऐसे ऐसे कर रही है ना, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। गाइस मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेन डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, हाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यस वेलोसिटी का डायरेक्शन, यस यस यस। तो नीट में क्या होता है ना गाइस, नीट में सब वेलोसिटी का डायरेक्शन वगैरह इतना ज्यादा कुछ मतलब इतना ज्यादा होता नहीं, नीट में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दिया जाएगा जनरली। उनमें उसमें क्या होता है, ए बाय टू से निकला, ए बाय रूट टू पे गया, तो कितने एंगल कवर करेगा वो? 15 डिग्री भाई, 15 डायरेक्टली गया, सपोज डायरेक्टली a बाई टू से a बाई रूट टू में जा रहा है, तो 15 डिग्री, तो क्या 360 के लिए t, तो 15 के लिए कितना, समझ में आ रहा है? वैसा वाला बन जाएगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, मतलब इतना चीज तो हो गया, इतना इतने चीज में मुझे तो अभी तक जो भी पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने अभी आपको ये तो अपना सर्कुलर मोशन वाला सब चीज हो गया, ठीक है। एक काम करो, अभी ये खोलो सिंपल मोशन क्या बोलूं, अपना एचसी वर्मा खोलो, सब लोग एचसी वर्मा, गाइस एचसी वर्मा खोलो, सर एक बार सेकंड स्लाइड से स्क्रॉल करो, कुछ कुछ पोर्शन लिखना बाकी तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कौन सा, ये वाला की सेकंड स्लाइड स्टार्टिंग से, इधर से? हाँ यस करेक्ट। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर सुनो, एचसी वर्मा में, एचसी वर्मा खोलो सब लोग फटाफट पहले। ठीक है पहले क्वेश्चन नंबर 5 करो गाइस, पहले क्वेश्चन नंबर 5 करो, जो जो मैं क्वेश्चंस दे मतलब पहले मैं इन्हीं के ऊपर के क्वेश्चंस करता हूं मैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो गाइस, एक अराउंड एक 7-8 क्वेश्चंस कर लेते हैं आप लोग, ठीक है, तो एक आइडिया आ जाएगा आपको कि क्या होता है SHM का। और SHM के जो क्वेश्चन जो यहाँ पे, नहीं सॉल्व नहीं, एक्सरसाइज ओके गाइस, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज वाले जो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले करो।
नहीं होमवर्क क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं, वो पता है मुझे इजी है, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए इजी दिया है। करो आप लोग, धीरे धीरे अपन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे भी जाएंगे, पहले इतना करो आप लोग, दिमाग थोड़ा सा। इसमें ना कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्स इज इक्वल टू, ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2 × 10⁻²² है, ठीक है, जो भी जैसे भी लिख रहा हूं मैं, वो देखो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब ठीक है 100 × t प्लस π/6। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के यहाँ पे बोला है तो फाइंड द एम्पलीट्यूड, तो मुझे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है ए साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओमेगा, और ये चीज क्या हो जाती है फाई नॉट, तो इसका इनिशियल फेज कितना है पाई बाई सिक्स, 30 डिग्री, बराबर ना, तो इसका एम्पलीट्यूड आ गया। हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ओमेगा इज इक्वल टू 100 आ गया, तो टाइम पीरियड क्या होता है गाइस, टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या 2π/ टाइम पीरियड, तो आंसर कितना है इसका पाई बाय 2π/ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है π/50, बराबर, तो टाइम पीरियड आ गया π/50। देखो तो इक्वेशन को सिर्फ कंपेयर करके करना था, ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है, इन्होंने बोला फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है गाइस, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करो, देखो कुछ को याद नहीं भी हो रहा होगा ना कि के की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे फटाफट इक्वेशन लिखने का, आप लोग लगे लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एक्स, याद है ना, ऐसा एम इज इक्वल एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो अपन यहाँ पे पता है एम यहाँ पे लेके गया, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बाय एम एक्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ओमेगा स्क्वायर, याद है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के बाय एम, अब स्प्रिंग कांस्टेंट तो के है, तो इसका इसका मतलब क्या होगा, जो मास यहाँ पे दिया है मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा आंसर है, समझ लो, तो मास जो भी होगा 10 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, तो मास इनटू ओमेगा स्क्वायर कर लो, ओमेगा की वैल्यू भी पता है तुमको, तो देखो कभी कभी क्या होता है अपने को फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो फटाफट डिराइव करो ना, तुमको हमेशा बोला है मैंने डिराइव करके आंसर निकालो, उसके बाद 2-3 बार डिराइव करोगे तो दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, समझे। फिर उसके बाद द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू जीरो, भाई मुझे होता है पोजीशन निकालनी है, अब वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करो ना गाइस, तो वेलोसिटी के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 × 10⁻², साइन इधर इंटू 100 आ जाएगा, और क्योंकि साइन का कॉस हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो कॉस 100 t प्लस 5/6 आ जाएगा, ये हो गया मेरा वेलोसिटी, मुझे बताओ भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 × 10⁻², 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 100 × 100, और इसका क्या हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, मतलब सॉरी 100 t, तो आपने क्या किया इसके लिए डिफरेंशिएट किया ना, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो डालते जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस 5/6 बचेगा, यहाँ पे साइन 5/6 बचेगा, आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा यहाँ पे बताओ मुझे, यस सर, तो इसमें टाइम की वैल्यू डालते रहनी है, मतलब हम लोग ने क्या किया अपना डेरिवेशन ही किया ना एक्स टी से वी टी से ए टी, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर, समझे, हाँ बोलो सर, वेलोसिटी के लिए डायरेक्टली ओमेगा इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, क्या क्या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ओमेगा इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते क्या, हाँ कर सकते, तो वेलोसिटी के लिए तुमने, लेकिन इसमें भी इजी है ना यार, मतलब वो भी मेथड है, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, तुम लोगों को चाहिए तो पहले, लेकिन उसके एक्स निकालना पड़ेगा और उसके बाद वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा, फाइनली आंसर क्या आएगा, दोनों जगह से आंसर क्या आएगा सेम ही आने वाला है, सेम ही आने वाला है, ठीक है चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 इजी था, क्वेश्चन नंबर 6 देखो गाइस इजी था ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी, यस यस सर, यस सर।
एक काम करते, थोड़ा सा एनर्जी वाला करते, क्वेश्चन नंबर थ्री करो। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री करो, पहले एक थोड़ा सा काइनेमेटिक्स को ओरिएंटेड करते हैं और फिर उसके बाद वो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वगैरह सब जाते हैं, ठीक है? ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक्स वाले सब बाद में जाते हैं, पहले इधर करो, क्वेश्चन नंबर थ्री करो। चलो थोड़ा सा एनर्जी भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। एट व्हाट डिस्टेंस, देखो ना अब क्वेश्चन नंबर थ्री करो एच शर्मा का। और सुनो ब्रेक के बाद, सुनो ब्रेक के बाद मैं ओवरलैप ऑफ टू एसएचएम्स वगैरह कराने वाला हूँ, मतलब 7:30 के बाद ओवरलैप ऑफ टू एसएचएम्स, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट में लास्ट में छोड़ रहा हूँ, मतलब ब्रेक के बाद लोग भागते हैं ना वो भागेंगे नहीं, तो लोग गायब हो जाते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? सब लोग यहां पर देख लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थ्री, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट, ठीक है? यहाँ पे अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल। अब सिंपल सी बात, सिंपल सुनो, ये मीन पोजीशन है कोई एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब मुझे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? V को हम लोग बाय फॉर्मूला, V क्या होता है भाई, बाय फॉर्मूला V क्या होता है, क्या किया था अपने, ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर ना? यस सर। तो V स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलो ये लिख दिया अपन ने, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई भी डिस्टेंस x पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अपन डायरेक्टली क्या लिखते हैं, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन k को हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे अपन ने देखा, k को हम लोग क्या लिखते हैं, m into omega square लिखते कि नहीं, k को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, m into omega square, तो यहाँ पे m into omega square अभी जस्ट अपन ने derive भी किया था, kx equal to ma, ठीक है? तो m into omega square into x square, अब मुझे बताओ कौन से डिस्टेंस पे ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कौन से डिस्टेंस पे होगी, तो यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये सब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मुझे बताओ टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाय क्या आ गई, रूट टू आ गया ना तुम्हारा आंसर, एक्स की वैल्यू कितनी आई, ए बाय रूट टू, तो ए का एम्पलीट्यूड तो दिया हुआ है तुमको, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी मुझे बताओ, अभी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते पहले, थोड़ा सा अच्छा, मतलब उसके बाद मैं आगे पीछे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सजेस्ट अ मिनट प्लीज, लास्ट स्लाइड दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 19 करो। किसी का आया क्या क्वेश्चन नंबर 19? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 करो जरा। सबसे टफ कौन सा गया तुमको, सबसे टफ कौन सा गया? ओके, तुम 27 एंड 29 बोल रहे हो, ओके। चलो पहले काम करो, क्वेश्चन नंबर 19 करो।
अब लोग यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन को, मतलब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एंगल मतलब ठीक है 90 डिग्री है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, और ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सबका के दिया हुआ है। अब इसने क्या बोला है गाइस, इसमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम पीरियड। देखो इन्होंने बोला है इफ द पार्टिकल इज स्लाइटली पुश्ड टुवर्ड्स सी, देखो ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो पार्टिकल इज पुश्ड स्लाइटली टुवर्ड्स, देखो स्लाइटली टुवर्ड्स सी, ठीक है, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो गाइज गाइज पहले यहां पे सब लोग सुनो, सब लोग को मतलब प्रॉपर तरीके दिख रहा है चीज, क्वेश्चन सब किसने किया इस क्वेश्चन को, पहले किसने किया इस क्वेश्चन को सॉल्व, हैंड रेज कर लो, जरा हैंड रेज कर लो। ओके काफी सारे ने किया, अजिंक अजिंक तुमने क्या किया क्वेश्चन में? यस सर। हाँ क्या सर, मैंने जो मैंने पहले ये देखा कि मतलब सी के उधर एक्स डिस्टेंस वो स्प्रिंग मतलब कंप्रेस हो रही है, तो फिर ए और बी पे वो एक्स बाय रूट टू से वो कंप्रेस मतलब स्ट्रेच होगी थोड़ी, तो मैंने सी पे मेन एक्सिस ले ली और फिर ए और बी के मतलब कंपोनेंट्स ऐसे निकाले और फिर दोनों को ऐड किया, मतलब वो पैरेलली स्प्रिंग होते हैं ना वैसे, के इक्विवेलेंट निकाला फिर, और फिर टाइम पीरियड से मतलब निकाला टाइम फॉर्मूला से। ठीक है गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, देखो ये x मुझे बताओ पहले, तो x बहुत ही छोटा है, yes, समझ में आ रहा है, x बहुत छोटा है। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है गाइस, ये पॉइंट जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट देखो यहाँ पे, जब मैंने बोला कि ये पॉइंट x से यहाँ पे मूव कर रहा है, कोई दिक्कत है क्या, ये जो पॉइंट है x से मूव कर रहा है, तो अब ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे कुछ डायरेक्शन भी मतलब स्प्रिंग जो है वो ऐसी खींच गई वगैरह, सब डायरेक्शन वगैरह नहीं आए, तो लोग बोलेंगे सर तो स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसा खींच गया, देखो ये सब निग्लिजिबल चीज है, तुम बोलोगे सर ये ऐसा खींच लिया तो स्प्रिंग थोड़ी सी ऐसे खींच ली तो एंगल चेंज हो गया वगैरह, समझ में आ रहा है क्या? Yes. ये सब नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, ये नहीं करना है तो अब मुझे बताओ, ये एक्स खींचा तो ये जो स्प्रिंग है अपना, स्प्रिंग कंसेंट तुमने सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है ये एक्स से ऐसे जा रहा है, सुनो सब लोग, ठीक है, तो मुझे बताओ स्प्रिंग कितने से खींचेगी, देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, याद है कि नहीं, करवाया था मैंने, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कॉस 45 एक्स साइन 45, सपोज एंगल 45 हो गया, तो मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट इसकी स्प्रिंग की लेंथ खींचेगा, एक्स कौन सा, जो स्प्रिंग की, देखो जो ये वाला कंपोनेंट है एक्स कॉस 45, ठीक है, वो तो घुमाएगा ना स्प्रिंग को, x sin 45, x sin 45 की वैल्यू कितनी होगी गाइस, x by root 2, तो ध्यान में रखना है जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन कितना है, मुझे बता इसके इसके अंदर एक्सटेंशन कितना है एक्चुअल में, x by root 2, सिमिलरली ये वाले स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन कितना है भाई, ये वाला जो स्प्रिंग है ये वाले स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन कितना है, ये भी भाई x से इधर जा रहा है, एक्सटेंशन आने के लिए एंगल कौन सा चाहिए, ये एंगल चाहिए ना, ये 45 डिग्री एंगल है, तो एक्सटेंशन में दो कंपोनेंट है, तो ये जो बेसिकली जो कंपोनेंट इसका बेसिकली ये करेगा वो था x cos 45, जिसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, x by root 2, समझ में आ रहा है, ये कंपोनेंट कुछ काम का नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो स्प्रिंग को सिर्फ घुमाता है, तो परपेंडिकुलर का तो वैसे भी काम ही नहीं था, तो दोनों में मुझे होता, दोनों स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, दोनों स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, x by root 2, तो अब मुझे होता दोनों स्ट्रिंग में एक्सटेंशन x by root 2 है, तो दोनों स्ट्रिंग के वजह से यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये जो मैं ब्लॉक में इसका FBD बनाऊ, तो ध्यान में रखना ये बेसिकली इसको x by, देखो मैं चाहिए तो ग्रीन में लिख देता हूं, ये ऊपर खींचेगा kx by root 2 से, ये भी स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी कितनी से, kx by root 2 से, समझ में आ रहा है, तो ये दो हो गया, इन दोनों के अंदर का एंगल 90 हो गया, और ये जो स्प्रिंग है तो डायरेक्टली इसको kx से खींचेगी, तो दो तीन वेक्टर को ऐड करो ना फोर्स हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर।
Yes, sir. ये तीनों तीन फोर्सेस को आपको ऐड करना है, kx by root 2 and kx by root 2 and kx. तो अब मुझे बताओ, पहले तो मुझे था ये दो वेक्टर्स को अपन ऐड करेंगे तो k, तो अंदर रूट ऑफ क्या जाएगा, kx by root 2 का स्क्वायर प्लस kx by root 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा भाई, अंडर रूट ऑफ भाई kx ही आएगा ना, yes. समझ में आ रहा है, अंडर ये क्या हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर, तो आएगा आंसर कितना के एक्स. तो मुझे बताओ इन दोनों का वेक्टर एडिशन के एक्स होगा, इसका भी के एक्स है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, इसका जो नेट फोर्स है गाइस हाँ, इसका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा टू के एक्स, तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा टू के एक्स. अब मुझे बताओ टू के एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है टू के बाय एम एक्स, तो ये जो चीज था ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, टाइम पीरियड निकल गया तुम्हारा, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड की डायरेक्टली वैल्यू मिल गई, टाइम पीरियड की वैल्यू टू पाई रूट ऑफ एम बाई टू के हो गई, समझा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का, ये था क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है. अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करो, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 करो जरा. क्वेश्चन नंबर 14 करो जरा, ये किसी का जिसको भी चाहिए, एक पीछे वाला को जिसको स्लाइड चाहिए था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको चाहिए था इसका स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 19 का भी स्क्रीनशॉट ले लो. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 सब लोग पढ़ो. हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं. Just 1 minute, go back to the previous dinosaur. Just for a second. Screenshot. हाँ हो गया sir. Thanks. क्वेश्चन नंबर 14 आया क्या लोगों को, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना गाइस, ये पूरा का पूरा इसका क्वेश्चन है, मतलब इसको थोड़ा सा देखो एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है, मतलब क्योंकि कंसेप्चुअल वाइज है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जो अपने वर्क एनर्जी पावर वगैरह सब कुछ पढ़ा था उससे करके करना है आपको, ठीक है. पहले करो ये क्वेश्चन को, मतलब पहले पढ़ो, पर सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सब लोग पढ़ो करते हैं. वन बाय वन करते हैं, ठीक है. एकदम माइक चालू है भाई, माइक बंद कर लो क्षितिज.
ठीक है गाइस, क्वेश्चन सबने पढ़ा। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात देखो, मतलब पहले ना आप लोग पहले देखो, पहले आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग अलग इसमें पूछता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको बड़ा सा इसको ड्रॉ करता हूँ। हाँ बोलो सर, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके हम लोग एमपी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ वैसे ही करना है, मतलब इसको कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले पूरा का पूरा देखो, पहले तो पहले इक्विलिब्रियम पोजिशन ढूंढो। अब मुझे होता है जब ब्लॉक एक के ऊपर रखेगा तो ये पूरी की पूरी स्प्रिंग जो होगी, ठीक है, ये कुछ कंप्रेस्ड होगी, तो ऐसे कंप्रेस करके रखिए। देखो एक स्प्रिंग है ना, ये कंप्रेस्ड हुई है। अब कंप्रेस जब हुई है तो इसका मास होगा m, इसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक है m। अब ये जो है ना गाइस, ऐसा पकड़ लेते हैं कि यहां पे x इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है। तो जो कंप्रेस थी, जब कंप्रेस थी तो कंप्रेस किससे थी, x नॉट से कुछ कंप्रेस होगी, ठीक है। तो पहले मेरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ गाइस, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा और मैं वो बढ़ा रहा हूँ। मुझे तो जब एकदम कंप्रेस रहेगी, जब इक्विलिब्रियम में रहेगी, इक्विलिब्रियम में, तो मुझे तो जब इक्विलिब्रियम में रहेगी तो इसका कितना होगा, ये x max x naught कितना होगा, कोई बोल सकते x naught कितना होगा जब इक्विलिब्रियम में रहेगी, m plus कितना m g by k। हाँ मतलब कितना बेसिकली इसके ऊपर, ये टोटल एक ऐसा सिस्टम ही है ना गाइस, टोटल ऐसा सिस्टम ही है। तो m plus m, देखो यहाँ पे इसमें फोर्स क्या आएगा, m plus mg, ये फोर्स आएगा नीचे और kx नॉट फोर्स आएगा ऊपर। तो इस केस में kx नॉट की वैल्यू कितनी आने वाली है, kx नॉट की वैल्यू कितनी आने वाली है, m plus m into g। तो ये जो था ये मेरा था x नॉट, मतलब क्या है मीन पोजिशन। मीन पोजिशन मतलब इस पोजिशन पे बेसिकली वो, अब एक्सटेंशन जो होगा ना वो टू अबाउट मीन पोजिशन होता है। देखो x इक्वल टू जीरो इज नॉट मीन पोजिशन, ये मेरी मीन पोजिशन है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, ये खिचड़ी हो रही है तो इसलिए सब रेड निकाल देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या इसमें, इतना पहले मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में। ठीक है, हाँ। तो ये वाला जो चीज है ये मेरी मीन पोजीशन है। अब कोई बोल सकता है ये हो गई मेरी मीन पोजीशन, ध्यान में रखना। सपोज इस ब्लॉक को ऑसिलेट करना है, मुझे बताओ इस ब्लॉक को सपोज ऑसिलेट करना है तो अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेट करेगा। ये ऑसिलेट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दोनों करेंगे, एक दूसरे के ऊपर है ना ब्लॉक, तो ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे। कोई बोलेगा कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशन का, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है गाइस, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है, या ओमेगा स्क्वायर कितना है, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? सर k बाय m प्लस m बाय भाई, ये जो टाइम पीरियड है वो तुमको पता ही है ना, ये क्या है ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है k बाय m, k बाय m, m की वैल्यू कितनी है m प्लस m, समझ में आ रहा है क्या? और टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई रूट ऑफ m बाय k। ये तो इसका टाइम पीरियड है, किसी ने बोला सर इसका टाइम पीरियड वगैरह कितना होगा, तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसमें ऐसा पकड़ लो ना, ये पूरा एक ही ब्लॉक कंसीडर करो ना m प्लस m मास का, अब इन दोनों को अलग से देखो ही मत, तो ऐसे m का क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्टली ऐसा बनेगा। ये मेरा टाइम पीरियड है, हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए अलग पूछा, अब मुझे तो इस पोजिशन पे, इस पर्टिकुलर पोजिशन पे जहां पे मीन पोजीशन पे है, जहां पे मेरी एफ नेट की वैल्यू जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो कोई बोल सकता है इस केस में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, इसके अंदर का नॉर्मल फोर्स कितना होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? स्मॉल mg, स्मॉल mg। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं ना भाई, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इस मास का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे mg फोर्स नीचे, n फोर्स ऊपर, तो n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, mg ना? यस सर, तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को एक क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, जो मैंने अभी बताया वो क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैंने जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया, ठीक है। कोई लिखना है तो यहाँ पे लिख देते अपन इस क्वेश्चन में, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू यहाँ पे इस पोजिशन पे हो जाएगी, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg, क्योंकि एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज जीरो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बोला क्या है, द सिस्टम ऑसिलेट, ठीक है, व्हेन द फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस x अबाउट द इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ इस चीज को मैं x अबाउट द इक्विलिब्रियम को लेके गया, इस पूरे असेंबली को मैंने x अबाउट द इक्विलिब्रियम यहाँ पे उसको खींचा, ठीक है। हाँ मतलब ये पूरा का पूरा अभी यहाँ पे आ गया,
तो अब मुझे बताओ जब ये ऊपर खींचते हैं तो गाइज एक बात बताओ, इसका हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है वो टूवर्ड्स कहाँ पे होता है? टूवर्ड्स कहाँ पे होता है? ऑलवेज टूवर्ड्स मेन पोजीशन? यस सर। अब मुझे बताओ ये ऑलवेज टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगी। सो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा तो ओमेगा स्क्वायर है कितना? के डिवाइड बाई क्या? एम प्लस एम इंटू एक्स ना। देखो ना यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ये है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको? ज्यादा एक्सेलरेशन कितना हो गया? इतना आ गया। ये मेरा एक्सेलरेशन है। तो अब मुझे बताओ, किसी ने बोला कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन मास एम। किसी ने बोला इस एम के ऊपर नेट फोर्स कितना है? अब मुझे बताओ, इस एम का एफबीडी बनाता हूं मैं यहाँ पे। एम के ऊपर जो नेट, इसका भाई एक्सेलरेशन जो डायरेक्टली यहाँ पे आ चुका है मेरा, विच इज के एक्स डिवाइड बाय एम प्लस एम, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा? व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज ऑलवेज व्हाट? नेट फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स। इसका एक्चुअल में एफबीडी बनाऊंगा तो इसका एफबीडी में कौन से फोर्सेस आएंगे? ग्रेविटी नीचे आएगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर आएगा। तो इसका नेट फोर्स बेसिकली क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन में नेट फोर्स। किसी ने बोला नॉर्मल फोर्स कितना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? mg। इसका इक्वेशन क्या आएगा? mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको ही तो हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या गाइस? यस सर। तो मेरा जो बी पार्ट है उसमें नॉर्मल फोर्स पूछा है, वो भी आ जाएगा तुम्हारा नॉर्मल फोर्स। इसमें एक्सेलरेशन डालो, नॉर्मल फोर्स आ गया तुम्हारा। समझ में आ रहा है? और लास्ट का क्वेश्चन क्या है? सी पार्ट कौन सा है? सी पार्ट क्या है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टूगेदर? मुझे तो दोनों ब्लॉक को ऑसिलेट होना है टूगेदर, तो मुझे तो कब नहीं होगा? दोनों का आंसर क्या है? नॉर्मल फोर्स यहाँ से निकालो ना गाइस। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? mg माइनस ma। समझ में आ रहा है ना? तो a यहाँ पे डाल के वो mg माइनस ma कर सकते हो, राइट? तो ये फोर्स होगा, इसको mg माइनस दिस फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस ठीक है। और सी पार्ट क्या होगा? सी पार्ट क्या बोला है भाई? बोथ द ब्लॉक्स इफ दे मूव टूगेदर, बोथ द ब्लॉक्स सपोज इसने अपना एक दूसरे का सपोज छोड़ दिया तो कौन सा फोर्स जीरो हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स। तो भाई जब नॉर्मल फोर्स जीरो होगा, देखो यहाँ पे इस चीज की वैल्यू जीरो कर देंगे तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना, तो एक्स मतलब क्या, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वही मेरा एम्पलीट्यूड होगा। समझ में आ रहा है? सर बोलो। तो सी पार्ट में मेन पोजीशन ही उसका एम्पलीट्यूड होएगा ना, क्योंकि अगर और इस सी पार्ट में मेन पोजीशन ही उसका एम्पलीट्यूड होने वाला है, राइट? अगर मेन पोजीशन के आगे नहीं जाएगा तो एम्पलीट्यूड उसका बढ़ेगा। एक काम करते हैं ना, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जीरो डाल देना, आंसर कितना आता है? mg इज इक्वल टू क्या आता है? ma। व्हाट इज ma? व्हाट इज a? व्हाट इज a? के बाय m इनटू k x बाय m प्लस m। m प्लस m बराबर। अब ये जो x है वही तो एम्पलीट्यूड है बेसिकली। यस सर। बराबर। अब mm कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर ले क्या आता है आंसर, यही आता है देखना। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? तो वो वेरिएबल लेने में गलती किया था। मतलब बेसिकली जो मैंने x नॉट निकाला ना पहले में, x नॉट निकाला वही उसका एम्पलीट्यूड है। यस सर। सर मुझे ये नहीं समझा कि आपने नॉर्मल क्यों जीरो कंसीडर किया। भाई वो क्वेश्चन दिया है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विच विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर। अब में ऑसिलेट टुगेदर का मतलब क्या है? वो टुगेदर नहीं रहेंगे। सपोज मास m उड़ गया स्मॉल वाला, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? हां सर जीरो हो गई ना। ध्यान में रखना थोड़ा सा जेई मेन के, मतलब जेई मेन का अच्छा लेवल जो होता है ना, जेई मेन का अच्छा लेवल ऊपर वाला, वैसे टाइप का कुछ क्वेश्चन, ठीक है? हाँ
सर मुझे वो बी पार्ट फिर एक बार एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? वो बाद में अभी कर लो, तभी ये इसका तो तुमको मिलने वाला है ना रिकॉर्डिंग। ओके सर चलेगा। ठीक है तो रिकॉर्डिंग में देख लो भाई, रिकॉर्डिंग में ना जिनको कुछ समझ भी नहीं था क्योंकि सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कुछ चीजें समझ भी नहीं आती तो रिकॉर्डिंग में 10 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहती है आराम से देखते रहने का उसको। ठीक है क्वेश्चन नंबर 28, चल 28 पे जाओ डायरेक्टली, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, 28 पे जाओ जरा। थर्टी वन क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गाइस एक काम करते सुनो, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 28-29 का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा लेकिन ब्रेक के बाद। देखो ब्रेक के बाद मैं पहले तो कराऊंगा, देखो ब्रेक के बाद मैं पहले 28 डिस्कस नहीं करूंगा, ब्रेक के बाद मैं पहले डिस्कस करूंगा क्या मल्टीपल SHM, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ मल्टीपल SHM, जब सुपर पोजिशन होता है ना सुपर पोजिशन ऑफ मल्टीपल SHM। ठीक है तो मैं बाद में लिखता हूँ क्या है। ठीक है तो सुपर मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, वेव्स में काम आने वाला है, इंटरफेरेंस जैसी चीजें होती है काम आता है, मतलब वेव्स में काम आने वाला है, तो उसके वजह से मुझे मल्टीपल SHM वाला चीज आपको अच्छे से मतलब इजी एकदम। ठीक है लेकिन एक 15-20 मिनट का वो टॉपिक है जो मैं जनरली वेव्स के साथ पढ़ाता हूँ लेकिन अभी पढ़ा दूंगा मैं, तो वेव्स अपन डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस चलो मिलते हैं फिर, 7:30 हुआ है, 7:40 को मिलते हैं। सर व्हेन आर यू गोइंग टू टीच दिस लीनियर आई मीन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन रोटेशनल? हाँ तो वो मैं आज एक्चुअली मेरा लेक्चर, लेकिन आज का लेक्चर रात का थोड़ा सा मतलब मैं आपको बताऊंगा, कंफर्मेशन दूंगा मैं आपको 9:30 को, लेकिन अभी के लिए तो कोई कैंसिल नहीं है लेक्चर, लेक्चर टाइम पे ही है, 10 बजे ही है। ठीक है कुछ चेंजेस होते तो मैं आपको 9:30 को मैसेज डालने वाला हूँ। ठीक है गाइस अभी 7:45 को मिलो जरा, अभी ब्रेक के बाद ही पूछो जो भी पूछना है, ये तो ब्रेक एडवांस प्लस कौन सा है, एडवांस का ना वही वो एंगुलर मोमेंटम वाला लेक्चर है, तो वो एडवांस का लेक्चर होगा तो, क्योंकि आज मेरा थोड़ा मतलब प्लान बन सकता है तो मुझे पता नहीं कि मुझे बाहर जाना है कि नहीं जाना है, तो जाऊंगा तो नहीं होगा, होगा तो मैं आपको 9:30 को मैसेज डालूंगा। ठीक है लेकिन अभी के लिए तो लेक्चर है, अभी के लिए तो लेक्चर 10 बजे है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। ठीक है अभी के लिए, बाद में 9:30 को सपोज चेंज प्लान होता है तो मैं बताऊंगा। ये बोलते जाओ ना सर घूम के आओ, नहीं नहीं ठीक है भाई देखो ब्रेक के बाद ही फोर्थ तो डांस कॉम्पिटिशन कराओगे ना? हाँ ब्रेक के बाद इम्पोर्टेंट है, पहले तो मुझे एक तो पहले तो देखो पहले तो 8:30 तक तो आपको सब लोग को करना है क्योंकि आज का वो वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है हर्षवर्धन लाइफ में सब लोग मजे कर रहे, ये लोग बोले सर लाइफ में मजे करो तो करेंगे ही भाई। चलो चलो मिलते हैं एक 10 मिनट के बाद मिलते हैं।
सो गाइस स्टार्ट करते हैं. यस सर. ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ एसएचएम्स भी बोलते हैं और सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम भी बोलते हैं. ठीक है, जनरली वेव्स का सुपर पोजिशन, ये टर्म बाद में आपको बहुत सुनने में आने वाला है. ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स. अबे वेव एक आ रही है, दूसरी वेव आ रही है, दोनों वेव्स एक दूसरे को मिले तो क्या होगा. तो इन सब चीजों में ना ये सब काम में आने वाला है. ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा वैसा वाला इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सब लोग देख लेना, अब रिकॉर्डिंग तो अपनी चालू ही है वैसे. ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, सुपर पोजिशन, ठीक है, या कंपोजिशन ऑफ टू वेव्स, वेव्स नहीं अभी एसएचएम ऑफ टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू मतलब टू और मोर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन. मतलब इसका मतलब मैं आपको सिंपल सा बात बताऊं आपको क्या, तो कैसे करने का, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. ऐसा पकड़ लो कि एक पार्टिकल जो ऑलरेडी एसएचएम कर रहा है, मतलब ऐसा पकड़ लो एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है. ठीक है, अब उसके ऊपर दूसरा, मतलब एक एक पार्टिकल एसएचएम किसके वजह से करता है, कोई रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से करता है, मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, मतलब एक ऐसा पकड़ लेते हैं कोई एक रिस्टोरिंग फोर्स है. सब लोग यहाँ पे देखो, कोई एक रिस्टोरिंग फोर्स है, उस रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से, लेते हैं F1 फोर्स है, उसके वजह से ये एसएचएम कर रहा है. और उसका मैं इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ठीक है, और दूसरा कोई फोर्स आ गया. ठीक है, मैं X1 लिखता हूं मैं इसको, और दूसरा कोई फोर्स आया F2. मतलब दो फोर्स का क्या हो गया गाइस, दो फोर्स अभी एक साथ काम कर रहे हैं, पहले से एक ही फोर्स काम कर रहा था, अभी दो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहे हैं. अब रिस्टोरिंग फोर्स दूसरे के वजह से, सपोज इसका इक्वेशन होता, मतलब ये सपोज F2 अलग से अपना काम करता, देखो F2 अलग से काम करता, तो इसका एक सपोज होता ए साइन ऑफ सम ओमेगा टी प्लस सम फाई. मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, सिर्फ F1 होता तो ये होता एसएचएम का इक्वेशन, सिर्फ F2 होता तो ये होता. अब सपोज ऐसा पकड़ लेते हैं F1 एंड F2 दोनों है, दोनों फोर्सेस है, तो क्या होगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. तो बेसिकली मेरा जो X आएगा एक्चुअल में वो क्या होगा, X1 प्लस X2 होगा, बराबर. अब बेसिकली क्या हो जाएगा, वो A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस X2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. समझ में आ रहा है? हाँ, अब कोई बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड में अलग अलग, सर एम्पलीट्यूड भी अलग लिख देता हूँ मैं, इसको A1 लिख देता हूँ, इसका एम्पलीट्यूड कुछ A2 हो सकता है, तो ये मेरा हो गया A1. ठीक है, इसका हो गया मैं A2, राइट. और इन दोनों के अंदर का, अब मुझे बताओ इन दोनों का फेज डिफरेंस, मुझे तो इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना होगा, ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाइव, इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना होगा आपके हिसाब से. अभी फेज मतलब क्या भाई, एंगल डिफरेंस, भाई एंगल डिफरेंस ना, फाई होगा ना, और क्या होगा. हाँ, किसी ने कुछ ऐसे बोला, यहाँ पे देखो ये ओमेगा टी है. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा पकड़ लेते. ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आप लोग मुझे बताओ, एक का ये ऊपर वाले का सपोज एक ओमेगा टी, एक कोई एंगल के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव बाई थ्री है, और दूसरे एंगल के अंदर ओमेगा टी प्लस लेते फाइव बाई सिक्स है, और बोला कि अब दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है, तो क्या करेंगे, फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई सिक्स, भाई सिंपल ना. या फिर एक कुछ होगा, कुछ फाइव बाई ट्वेल्व होगा, तो फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, मतलब दोनों एंगल को भाई सब्ट्रैक्ट कर लो, तुमको फेज डिफरेंस मिलेगा. ठीक है, तो फेज डिफरेंस से डरना नहीं, फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, भाई एंगल में डिफरेंस कितना है. ठीक है, साहिल तूने क्वेश्चन पूछा था, तो अब इस केस में जैसे दोनों का फेज डिफरेंस इतना है, मतलब मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये जो मैंने डायरेक्टली लिखा है ना, कोई बोलेंगे सर ऐसा भी तो लिखो ना, सर ऐसा लिखो इसको, इस तरीके से लिखो. ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा ओमेगा टी प्लस सम फाइ फाइव वन, और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस सम फाइव टू. तो भाई ऐसा भी, अब मुझे तो इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है, इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है, फाइव वन माइनस फाइव टू या फाइव टू माइनस फाइव वन, जो भी होगा. ठीक है, तो अब वो उसको मैं फाइव लिख देता हूँ, दैट इज नथिंग बट फाइव वन माइनस फाइव टू. समझ में आ रहा है ना,
उससे अच्छा मैं क्या करूंगा भाई, 5152 लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर मैं जीरो डाल देता हूँ, मतलब ये ओमेगा टी ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं फाइव रख देता हूँ। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? फाइनली जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सब सेम ही चीज है। इन शॉर्ट इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है? फाइव। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ ये एक्स में ऐसा लिखूंगा, अब मुझे बताओ ये सपोज इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने गए तो पंगा होगा। देखो इसके दो मेथड है इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के। देखो इसको मुझे एक्स इन टर्म्स ऑफ कुछ लिखना है, अब एक्स इन टर्म्स ऑफ तो आपको ना ट्रिग्नोमेट्री से करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री से करने गए तो अपने को क्या करना पड़ेगा पता है? ट्रिग्नोमेट्री से बोला देखो दो मेथड है इसमें, एक है ट्रिगो वाला मेथड और दूसरा वाला कौन सा मेथड है गाइस? दूसरा वाला कौन सा? अपना सर्कुलर मोशन, सबसे सिंपल वाला। दूसरा वाला है सर्कुलर मोशन वाला मेथड। अब मुझे होता ट्रिग्नोमेट्री मेथड से क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री मेथड से इसको क्या करना पड़ेगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में क्या करना है? ये अपना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वगैरह करना पड़ता है ना, और सर पूरा का पूरा जुगाड़ लगाओ। अब वो मैं करूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि वो करने की अपने पास अभी मतलब इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, मतलब एक तुम लोग क्या करोगे, इसको ए वन साइन ओमेगा टी लिखोगे, फिर इसको फिर ए टू लिखोगे, फिर यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए, ठीक है, उसके बाद साइन बी, ठीक है, ये चीज करके फिर ये पूरा का पूरा, फिर एक टर्म्स इधर उधर लाओ, ठीक है, उन दोनों को करो, फिर दिमाग लगाओ। ठीक है, ये समझ में क्या बोल रहे हो? किसी का कुछ क्वेश्चन है कि पहली क्वेश्चन में मैंने फाइव क्यों नहीं लिखा? अभी मैंने अभी तो बताया रामायण महाभारत वाली कहानी हो गई है, अभी मैंने बताया ना आपको ओमेगा टी प्लस फाइव वन किया, इधर ओमेगा टी प्लस फाइव टू किया, दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? फाइव वन माइनस फाइव टू, इसको फाइव लिखा। एक काम करो पहले, अभी इतना ही करो, मैं बताता हूँ तुमको, पहले इतना समझ में आया क्या तुमको? वो छोड़ दो, फाइव वन फाइव टू छोड़ दो, पहले इतना समझो। अब दोनों मुझे बताओ इसमें दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है? फाइव है, राइट? ठीक है, अब मैं काम करता हूं इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वैसे समझता हूं, इसको ट्रिग्नोमेट्री वैसे समझता हूं। मैं एक्स वन प्लस एक्स टू किया गाइस, इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वैसे अपन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वे, ट्रिग्नोमेट्री वे में क्या होगा मुझे बताओ? पहले दोनों का सर्कुलर मोशन होगा, राइट? दोनों का सर्कुलर मोशन होगा, तो सर्कुलर मोशन होगा मतलब क्या? एक अपन सर्कुलर मोशन में क्या है, वेक्टर घूमता है, तो ये एक वेक्टर घूम रहा है ए वन वाला ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक मिनट। तो ये सपोज घूम रहा है अपना ए वन ओमेगा से, मतलब समझ रहे ना, मतलब बेसिकली एक ऐसा सर्कुलर मोशन वाला एक ऐसा पार्टिकल घूम रहा है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ए वन। कोई दिक्कत है क्या? तो अभी मैं सर्कुलर मोशन दिखाता नहीं हूं, अभी सिर्फ ए वन दिखाता हूं, ए वन दिखाता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कितने से घूम रहा है? ए टू कितने से घूम रहा है? ए टू, ए टू कहां पे? ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब वो कितना आगे है? वो कितना है ए टू, कितना आगे इन दोनों के? फाइव। ए टू जो है, हाँ, ओमेगा टू फाइव से आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है तुमको? ए वन से ए टू कितना आगे? फाइव आगे, फाइव आगे। अब मुझे बताओ ये ए वन है ए टू है, अब इन दोनों का मतलब A2 थोड़ा ज्यादा हो सकता है, अब मुझे बताओ, अब ये भी घूम रहा है ओमेगा से ही, ठीक है, ये भी अपना घूम रहा है ओमेगा से ही, ठीक है, मैं A2 को शायद से अलग कलर में लिख देता हूँ, चाहिए तो, ये सेम नहीं, अलग अलग है, ठीक है, A1 A2 की वैल्यू अलग अलग है। अब क्या करने का एक्चुअल में, मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में हम किसको ऐड करना चाहते हैं? मुझे क्या चाहिए बेसिकली, मुझे बेसिकली चाहिए क्या? A1 क्या गाइस? हम किसको ऐड करना चाहते हैं? A1 साइन ओमेगा टी प्लस, मुझे ऐड किसको करना है? ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इन दोनों को मुझे ऐड करना है ना, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, मतलब मुझे बताओ मुझे कौन से कंपोनेंट्स को मुझे ऐड करना है, इनके कौन से कंपोनेंट्स को मुझे ऐड करना है, दोनों के, दोनों के कौन से कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट। अब मुझे दोनों के वाई कंपोनेंट ऐड करके नेट वाई कंपोनेंट क्या है, वही पूछा है मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे पूछा कि नेट वाई कंपोनेंट कितना है, बराबर ना? Yes, हाँ, तो नेट वाई कंपोनेंट की पूछा, इसका मतलब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ भाई, एक्चुअल में इन दोनों वेक्टर के वाई कंपोनेंट को ऐड करके मुझे नेट वाई कंपोनेंट पूछा है, इसका इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इन शॉर्ट इसका रिजल्टेंट ही मुझे पूछा है ना, रिजल्टेंट का ही तो वाई कंपोनेंट होगा वो चीज। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir.
तो ये जो चीज होगी ये मेरी हो जाएगी रिजल्टेंट. तो मेरी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है गाइस, अंडर रूट ऑफ क्या होती है, याद करो क्या थी, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस क्या, टू ए वन ए टू. भाई रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ अपना भाई वेक्टर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. हाँ तो कॉस ऑफ क्या, कॉस ऑफ क्या, फाइव. समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट. तो ये बेसिकली मेरा रिजल्टेंट आ गया. ठीक है, अब ये रिजल्टेंट आ गया. इसके बाद किसी ने बोला कि भाई ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल की वैल्यू में भी लिख देता हूं मैं, सपोज अल्फा लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे मेरी टेन अल्फा की जो वैल्यू आती है, अब वो भी आपको पता होगी, ए टू साइन फाइव डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव. याद है ना ये सब? यस सर, यस सर. ये आप डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हो ना, बस तुम्हारा काम हो गया ना. इसका मतलब पता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ. हाँ, और कुछ सब लोग म्यूट रहो क्योंकि कुछ लोग को मतलब स्क्रीन जा रही है. मुझे बताओ इस केस में ये जो एंगल है, ये एंगल कितना था, ये गाइस ये एंगल कितना था, ओमेगा टी ना, ए वन साइन ओमेगा टी, दूसरे का एंगल कितना था, ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर. तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है ये कितना है टोटल, इसका इस वेक्टर के लिए एंगल कितना है, ए आर के लिए, ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अभी तुम बोलो मत, ये करो. तो अब मुझे बताओ यहां पे, यहां पे जब मैं ऐसा बोलूंगा, देखो यहां पे मुझे क्या समझ में आया, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इन दोनों को मिलकर जो एडिशन आया वो क्या आया, तो ये आया अंडर रूट ऑफ क्या, ये ए आर. सबसे मैं डायरेक्टली ऐसा पहले ये नहीं लिखता, मैं पहले लिखता हूं, इस दोनों का जो एडिशन आया वो क्या आया, ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. किसी का तो भाई माइक चालू है, मैं बोल रहा हूं माइक बंद करके रखो. डैरन डीमेलो, समझ में आ रहा है कि कहीं से समझ में आ रहा है मैंने क्या किया. देखो मुझे क्या था, मुझे सबके y कंपोनेंट को ऐड करके मुझे नेट y कंपोनेंट पूछा था. तो ये मेरा था, ये बेसिकली उसका था y कंपोनेंट, y कंपोनेंट, y1 कंपोनेंट, ये था मेरा y2 कंपोनेंट. तो मेरा नेट y कंपोनेंट क्या था, y1 प्लस y2 ये कंपोनेंट था. इसका मतलब मैंने क्या किया, नेट अपने वेक्टर को ही ऐड करवा दिया ना, सीधा वेक्टर को ऐड करवा दिया, तो मेरा आंसर आ गया. तो बेसिकली इसका मेरा ये आंसर आ गया. समझ में आ रहा है तुमको गाइस, ये समझ में आ रहा है. ये पूरा का पूरा वेव्स में बहुत ज्यादा काम में आता है, मतलब ये सब साउंड वेव मतलब इंटरफेरेंस ऑफ वेव, फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा, सब जगह पे काम आएगा. लेकिन कंसेप्ट समझ में आएगा तुमको क्या करना होता है, कंसेप्ट समझ में आएगा गाइस. यहाँ पे सब लोग समझ में, एक चीज ध्यान में रखना, ए आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ, ये लिख लो आप लोग, ये लिख लो, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस क्या, टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल के डालनी पड़ेगी अपने को, ठीक है. अल्फा इज टेन इनवर्स ऑफ दिस, तो टेन इनवर्स ऑफ, एक्चुअली लिखोगे तो बहुत देखो बड़ा सा टर्म आ रहा है, साइन फाइव डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव. मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं तो आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन देता हूं समझ में आएगा. पहले तो मुझे होता है इतना समझ में आया सब जो मैंने लिखा. अब ये लिखने के पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, तुम ही लोग मुझे बताओ पहले, ठीक है. मैं तुम्हें मुझे एग्जांपल एग्जांपल देता हूं, पहले मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो. मैंने को बोला है कि मेरे को बोला है एक्स की वैल्यू है, एक्स वन की वैल्यू है, लेट्स से टेन साइन ऑफ जैसे मैंने लिखा टू टी, ठीक है, कुछ भी मैं लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं लिखने के लिए, क्या टू टी, ठीक है. और x2 की वैल्यू लिखी है मैंने, x2 की वैल्यू लिखी है फाइव साइन ऑफ टू टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है, टू टी प्लस पाई बाई टू. अब बोला है फाइंड x1, फाइंड x1 प्लस x2 क्या होगा, या जो मतलब एक्चुअल अभी जो रिजल्टेंट आएगा, एक्स रिजल्टेंट क्या होगा, कैसे करेंगे अपन, कैसे इसका वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ मुझे, पहले कैसे वेक्टर ड्रॉ करेंगे,
एक 10 साइन 2t वाला वेक्टर ड्रॉ किया. अब मुझे तो 10 साइन 2t यानी दूसरा जो वेक्टर है इन दोनों के अंदर, सपोज एक मैंने 10 का वेक्टर ड्रॉ किया ठीक है, तो मुझे होता तो दूसरा वेक्टर है वो कितने एंगल पे, कितने एंगल आगे है, फेज डिफरेंस कितना है इसमें? बोलो मत भाई लिखो. ऋतुजा तेरा तो एक तो माइक बहुत गंदा चल रहा है तो बोल मत. 10 और दूसरा है एक 5 जो जो दूसरा है वो एंगल 90 से आगे है. तो जो 5 वाला वेक्टर जो है मेरा वो एंगल 90 से आगे 90 डिग्री, बराबर ना भाई? ये मेरा x1 वाला था, ये मेरा x2 वाला था. तो मुझे होता जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो तुम्हारा आंसर कितना है? ठीक है, ये 10 स्क्वायर था, ये 5 स्क्वायर था, तो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आया 120, अंडर रूट ऑफ 125. राइट, तो अंडर रूट ऑफ 125 मेरा आंसर आ गया यहाँ पे. तो अंडर रूट ऑफ 125 मेरा आंसर आ गया. किसने बोला ये एंगल कितना है? अभी जो अल्फा की वैल्यू है तो इसके इसमें टेन अल्फा कितना हो जाएगा? टेन अल्फा हो जाएगा 5/10. तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स ऑफ 1/2. कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे? कोई दिक्कत है इसमें? 5/10 1/2. तो अब मुझे बताओ, कोई बोला कि ये XR की वैल्यू लिख के बताओ कितनी होगी, तो मेरी XR की वैल्यू जो लिख के बताऊंगा मैं X1 प्लस X2, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ 125 साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब वो तो 2T है, 2T प्लस ये अल्फा टेन इनवर्स ऑफ 1/2. अब समझ में आ रहा है? मैं जो किया क्वेश्चन सॉल्व किया समझ में आ रहा है? इन दोनों का एडिशन ये हो जाएगा मैथमेटिकली. इवन आप ट्रिग्नोमेट्री से भी करोगे, प्योर ट्रिग्नोमेट्री से आंसर ये आएगा. अपन ने कौन से मेथड से किया? ये सर्कुलर मोशन वाला मेथड. अभी मैं इसको मैं एक नाम दूंगा. ये सर्कुलर मोशन वाला मेथड नहीं, इस सर्कुलर मोशन वाले मेथड को मैं एक नाम दूंगा यहाँ पे. ठीक है, दो नाम यूज किए जाते हैं इसको. हम लोग कभी कभी बोलते हैं फेजर मेथड. क्या बोलते हैं इसको? फेजर मेथड. या कभी कभी उसको बोला जाता है वेक्टर मेथड. तो वेक्टर मेथड तो आपको सबको पता ही है, मैंने फेजर मेथड पहले नाम लिखा है. तो इसको हम लोग बोलेंगे फेजर या वेक्टर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. जब दो ऐसे चेम या ऐसे कुछ इक्वेशंस आते हैं साइन कॉस वाले, जब दोनों को ऐड करना होता है तो हमेशा ये मेथड यूज करनी होती है. ठीक है, हमेशा. चलो फटाफट इसको लिख दो. सुपरपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ टू और मोर एसेशन, लिख दो इसको. तुमको फेज डिफरेंस जो है ना, किसी ने मुझे पूछा था वो 5/1/5/2, एक इधर 5/1 होगा इधर 5/2 होगा, तो मैंने 5/q लिखा है, वो भी मैं बताऊंगा. पहले इतना पहले जो भी है वो लिखो, पहले इतना वो पहले जो है वो भी लिखो. डन सर. आज का जो एडवांस प्लस वाला लेक्चर है गाइस, उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ एंगुलर इंपल्स वगैरह सब कुछ. और फिर अगले एडवांस लेक्चर में मैं आपको ऑप्टिक्स का वो क्वेश्चंस देने वाला हूँ. ठीक है, तो ऑप्टिक्स के बचे हुए क्वेश्चंस अपने को करना है. तो ऑप्टिक्स का आपको वर्कशीट कल मिल जाएगा. ठीक है, हो गया. आगे बढ़ू. ये आपको समझ, ये मेथड समझ में है ना? मतलब A1 साइन ओमेगा टू, A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 कैसे ऐड करना होता है. सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाओ. इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. एक्चुअली ये सब मेथड से अच्छा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन जब करते तो ज्यादा समझ में आता है. क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है, मेथड से कम आता है एक्चुअली. अच्छा, ये हो गया, ये वाला.
ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो लिख दो लिख दो। गाइस हो गया क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, गाइस जिनका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद कर लो। अरे कंडीशन कंडीशन क्या है? सुपरपोजिशन मतलब दो ऐसा दिख दिया रहेगा, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तब देखो। तो ये वाला एग्जांपल पहले लिखो आप लोग। एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, एक SHM है। देखो ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने X1, ये एक SHM है, एक SHM का इक्वेशन है ये SHM नंबर वन, ठीक है। दूसरा जो है वो SHM नंबर टू। अब दोनों SHM का क्या हो गया, दोनों SHM जो होंगे उनका क्या हो गया, कंपोजिशन या सुपर पोजिशन, समझ में आ रहा है? दोनों SHM तो साथ में, जब अपना था अलग से तो X1 था, ये अलग था X2, अब दोनों सब एक साथ हुए तो दोनों एक साथ की वजह से क्या होगा, फिर नेट SHM का x क्या होगा, तो ये होगा इक्वेशन, समझे? अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये एक SHM होगा, ये दूसरा SHM होगा। अब दोनों का सपोज सुपरपोजिशन हुआ, मतलब दोनों का एक साथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए और एक साथ आ गए, तो क्या होगा, तो ये मेरा नेट SHM होगा, ठीक है। लेकिन इससे करना कैसे, इसको करना कैसे, वेक्टर मेथड से, क्योंकि अपने को पता है ना भाई, टेन एम्पलीट्यूड वाला जो एक सर्कुलर मोशन पार्टिकल करता रहेगा, मतलब एक वेक्टर लेते हैं अपन, तो एक टेन वाला वेक्टर घूमता रहेगा, एक फाइव वाला वेक्टर घूमता रहेगा, तो ये दोनों वेक्टर का बेसिकली एडिशन नहीं करेंगे अपन, क्योंकि दोनों दोनों वेक्टर का वाई कंपोनेंट को अपन ऐड करते हैं, दोनों कंपोनेंट के वाई कंपोनेंट है दोनों जो लिखे हुए यहाँ पे। अब वाई कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं तो एक्चुअल वेक्टर भी तो ऐड हो रहा होगा, इस दिमाग से सोचना है, समझ में आ रहा है? और ये बहुत सारे जगह पे अपने को काम आने वाला है, इवन एसी सर्किट अपन 12th में पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा ये मेथड। रिवाइज कराऊंगा मैं सुपरविजन के टाइम पे यही मेथड। चलो एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताओ कि फटाफट करके बताओ क्या होगा उसका आंसर क्या होगा। दो क्वेश्चन, just a minute. That's it. Okay. अब यहां पे देखो सेकंड एग्जांपल, ठीक है। अब एक SHM है, ऐसा पकड़ लो एक SHM है जिसका वैल्यू दिया है 20, नहीं मैं ए में ही लिखता हूँ, एक काम करता हूँ मैं ए पे ही लिखता हूँ, ठीक है। ये लिखा है मैंने ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये एक है। दूसरा है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय फोर, तीसरा है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू। बोला चलो अब तीन SHM एक साथ जब होंगे तो बताओ कि रिजल्टेंट SHM कैसे दिखेगा। X1 प्लस X2 प्लस X3 अपन करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा। तो जो रिजल्टेंट SHM है तो बोला है कि रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड कितना होगा और वो फेज भी कितना होगा, उसका फेज एंगल भी पूछा हुआ है, ठीक है। रिजल्टेंट SHM का समझ में आ रहा है? अब मेथड समझो, रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड और वो सब कितना होगा ये पूछा हुआ है। रिजल्टेंट SHM क्या होगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड एंड फेज दोनों कितने होंगे, सिंपल है, बताओ जरा फटाफट करके बताओ ना यार। वेक्टर तो हुआ है, स्केलर वेक्टर तो आपका हुआ है, स्केलर वेक्टर और एंगल वाला कांसेप्ट लगाना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। इक्वेशन बता दो बस,
माइक क्रैक हो रहा है. ओके ठीक है, लोगों का आंसर्स तो आना चालू हो गए हैं. कुछ लोग के गलत, कुछ लोग के सही आंसर्स तो आ रहे हैं. लेकिन ठीक है भाई, यहाँ पे मुझे पहले तो बताओ x1 x2 एंड x3, पहले तो एक बात बताओ मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे देखो ये मैंने ना ओमेगा टी यहाँ पे जो लिखा है, उस ओमेगा टी का एक्चुअल में काम है क्या वैसे? मतलब ओमेगा टी को सब तुमने एक्स एक्सिस के ऊपर भी ड्रॉ किया, सेम जो पूरा का पूरा वो चीज है. मैंने क्या किया, वेक्टर 10 को ऐसे ड्रॉ किया, ओमेगा टी है ही अंदर, फाई को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं और फिर ये मेरा ये रिजल्टेंट दिखा देते, ऐसा भी कर सकते हैं आप. ठीक है, अब ओमेगा टी आपको पता है यहाँ पे हिडन ओमेगा टी है. ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे दिखा दूंगा क्योंकि अपन पहले पहले में कर रहे हैं. चलो तो अपन वेक्टर सारे ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर मेथड बोलेंगे ना इसको. तो पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे ए का ही है. चलो ये पहला वेक्टर है ए का, ठीक है, ए का वेक्टर है. फिर दूसरा जो वेक्टर है, एक काम करो रुको एक मिनट, 45 डिग्री पे ही कर दिया उसको, कुछ ऐसा कर लेते. ये मेरा ए वेक्टर है जिसका एंग जो है ओमेगा टी पे, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड ए है. दूसरे का भी भाई ए ही है, वो पाई बाय 4 आगे है. तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री आगे है, ये भी ए है. तीसरा वेक्टर जो है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब इसके पाई बाय 2 आगे है. तो तीसरा वेक्टर भी ए है और ये एंगल भी भाई 45 डिग्री है. अब मुझे तो दो तीन वेक्टर ए ए ए वाले होते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, आपको याद है कि नहीं, पहले इस ए का और ए का करना होता है जो कि रूट 2 ए आता है. फिर रूट 2 ए और ए दोनों का जो एडिशन होगा तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा. ये क्वेश्चन भी अपन ने पहले किया था. तो ये जो मेरा रिजल्टेंट होगा, मेरा रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना आएगा, रूट 2 ए प्लस ए. याद है क्या है भाई, वेक्टर का क्वेश्चन था अपना रूट 2 ए प्लस ए वाला. ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये जो एंगल है वो तो 45 डिग्री ही रहेगा. तो भाई इसका इक्वेशन क्या रहेगा, इसका इक्वेशन रहेगा, तो मेरा एक्स का इक्वेशन रहेगा रूट 2 प्लस 1 इंटू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4. कोई दिक्कत है क्या इसमें बताओ मुझे, ये हो जाएगा मेरे रिजल्टेंट. समझे कि नहीं समझे? हाँ बोलो. ये कर लो बाद में, अभी रिपीट क्या है तुम्हारा, तुमको तुम पहले तो पहले ना कोमल, तू पहले तो मेरा सेकंड लेक्चर भी देख क्या वापस. ओके सर. तो ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मेरे को तीन वेक्टर्स को ऐड करना था. ठीक है, अब इसने बोल दिया तो एक बार करके दिखाता हूं मैं. मुझे तो तीन वेक्टर को ऐड करना है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और तीसरा वेक्टर इसका 45 डिग्री में है. इन तीन वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं गाइस, कैसे ऐड करते तीनों तीन वेक्टर को, ए ए ए. तो पहले इस ए को और इस ए को ऐड किया जाता है जिसका आंसर आता है बेसिकली रूट 2 ए. सपोज अब ये रूट 2 ए और ए वेक्टर दोनों ऐड करके रूट 2 ए प्लस ए, तो ये आएगा रिजल्टेंट. समझ में आया? और ये वेक्टर है. अब सपोज ये आपको नहीं आ रहा है तो आपका वेक्टर में प्रॉब्लम है, मतलब बेसिक ही आपका खराब है फिजिक्स में. समझ में आ रहा है? Yes. ये क्वेश्चन एग्जांपल 2 का है, मतलब ये एग्जांपल 2 मतलब तीन एसएससीएम्स को. सपोज मुझे तो पहले डायग्राम तो जम गया है क्या आपको, ये डायग्राम इधर से इधर डायग्राम बनाना आ गया क्या आपको? Yes, हाँ सर. भाई SHM क्या होता है, मैंने क्या बोला था, SHM क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है. अब सर्कुलर मोशन में अपन सर्कुलर मोशन भी नहीं ले रहे, एक वेक्टर ले रहे जो घूम रहा है, एक वेक्टर है जो कि घूम रहा है बेसिकली ओमेगा से. समझ में आ रहा है? जो मैंने सर्कुलर मोशन आपको बोला था, आप मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, जब सर्कुलर मोशन पार्टिकल करता है तो सर्कुलर मोशन करता है मतलब क्या, ये पार्टिकल इधर रहेगा, जब पार्टिकल इधर रहेगा इसका मतलब एक वेक्टर है घूम रहा है ना, ऐसे बोल सकते ना अपन. समझ में आ रहा है क्या? तो जो अपन बोलते थे कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब एक वेक्टर है जो कि घूम रहा है. इस वेक्टर का अपन एक नाम भी देंगे और इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बाद में बहुत सारी जगह पे काम आएगा. इसको वेक्टर बोल सकते हैं, इसको फेजर भी बोलते हैं, फेजर डायग्राम.
इसको फेजर डायग्राम भी बोलते हैं बाद में एसी सर्किट में, तो ये अलग अलग नाम देते रखे देखे रखे, समझ में आ रहा है? या फिर सर्कुलर मोशन, इस पार्टिकल को सिर्फ देखेंगे तो सर्कुलर मोशन बोलेंगे, भाई भाई पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब टिप ऑफ द वेक्टर है, जो टिप ऑफ द वेक्टर है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझे? सो टिप ऑफ द वेक्टर इज डूइंग सर्कुलर मोशन, वेक्टर वेक्टर तो अपना खुद ही रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये सब होता है। तो ये मेथड है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा ये वाला मेथड है। कोई दिक्कत है कि इसमें बताओ मुझे? सर साफ एसएम के ओमेगा सेम होने चाहिए क्या? हाँ, अब एसएम का ओमेगा अलग होंगे ना, तो भाई फेज बदलते रहता ना, एंगल बदलते रहेगा टाइम के साथ साथ, एंगल बदलते रहेगा, समझ में? इसलिए एंगल एंगुलर ये जो दो है ओमेगा वो क्या होने चाहिए, इधर मैंने क्या लिया सेम, ये सेम नहीं होंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, फेज बदलते रहेगा ना, क्योंकि हर एक वेक्टर अपने अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, समझे? सर तो फिर डिफाइन होगा ही नहीं ना तीनों। हाँ तो फिर वो प्रॉब्लम होगा वो, फिर ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम में पूछा जाएगा, फिर इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा ऐसा पूछा जाएगा। ओके चलो इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, वो अपन एडवांस में ऐसा एक खास क्वेश्चन कराएंगे, और तुम क्वेश्चन करोगे तो एक्सर में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन वैलिड है, मतलब सही पूछा तूने क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है गाइस, कोई दिक्कत इसमें अब तक? नो सर। देखो एक एक ना डैम्प ऑसिलेशन आता है, डैम्प ऑसिलेशन, जो डैम्प ऑसिलेशन ना रटना होता है पढ़ना होता है, ठीक है? तो मैं एच सी वर्मा का, सब लोग को आपको एक काम करना है, ये आपको सबमिट करना है, पढ़ के रट के सबमिट करना है, रट के मतलब अब कुछ चीजें जो होती है ना आप डायरेक्टली डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो अभी तक मैथ्स पहुंचा नहीं है, और उसमें अपना थोड़ा ए सेकंड ईयर में मैथ्स आता है, वो मतलब फर्स्ट ईयर में मैथ्स आता है इंजीनियरिंग के, ठीक है? तो आपको एक सबको एक काम करना है, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये सबके लिए है, सबके लिए होमवर्क सुनो, ठीक है? ये सबका होमवर्क है गाइस, पेज नंबर, गाइस एच सी वर्मा का पेज नंबर 242, पेज 242 एच सी वर्मा ये पढ़ना है आपको, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन करके दिखा है, इसका जो बेसिकली इक्वेशन जो होता है ना, ये इक्वेशन कैसे आता है, इसका डेरिवेशन नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्टली उस डैम्प ऑसिलेशन का थ्योरी पढ़ के सीधा इक्वेशन याद करना है, ठीक है? जेई एडवांस में ये चीज नहीं आती, ये चीज आती है जेई मेन में एंड नीट में, ठीक है? इसका इक्वेशन कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है जेई मेन एंड नीट में, ठीक है? तो जेई मेन एंड नीट वालों को एडवांस में जो चीज का डेरिवेशन नहीं होता वो एडवांस में नहीं पूछते, ठीक है? तो ये डैम्प ऑसिलेशन पेज नंबर 242 आपको पूरा का पूरा लिखना है, राइट, ठीक है? ये राइटिंग में चाहिए अपने को, राइट दिस, ठीक है? और वो पूरा का पूरा आपको सबमिट करना है, और बाकी क्वेश्चन तो सबमिट करने ही करने। पहले मुझे तो इतना समझ में, जो भी मैंने अभी पीछे वाला बोला, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस लेक्चर को चाहिए तो वापस देख लो, ठीक है? ये सारी चीजें मैं एक बार वेव्स में, जब वेव्स में इंटरफेरेंस बताऊंगा, इवन ऑप्टिक्स में बताऊंगा, साउंड में, स्टेशनरी वेव्स में बताऊंगा, जहां जहां वेव आएगा ये मेथड में आपको वापस एक बार रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन आज एसएचएम का लेक्चर वैसे भी हो गया पूरा का पूरा, तो इसलिए मैं ये तो जनरली मैं अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा था, एसएचएम का वो पार्ट में बाद में पढ़ा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ा दिया अपन, मुझे लगता है कोई डिफिकल्ट नहीं है ना इसमें, कोई डिफिकल्टी है क्या इसमें? नो सर, नो सर, इस पार्ट में ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है गाइस? चलो एक लास्ट का है, हाँ बोलो बोलो सर। नहीं बाद में एक डाउट था, मतलब बाद में। ओके नहीं डाउट किसके रिगार्डिंग है, तो बाद में पूछ, बाद में पूछ, तो अपना पर्सनली पूछ ले, तो पर्सनल पूछ ले, ठीक है? अब एक लास्ट का चीज है, उसको हम लोग बोलते हैं गाइस टॉर्शनल पेंडुलम, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। अब व्हाट इज टॉर्शनल पेंडुलम? देखो कभी कभी आपने एक चीज देखी होगी, एक ऐसा ना कुछ चीज लटकी रहती है, और ना एक स्ट्रिंग को अपना ऐसा 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 करके घुमाते जाओ और छोड़ो, घुमाते जाओ मतलब ऐसे घुमाते जाओ, ऐसे मतलब कोई चीज ऐसे लटकी हुई है, अपन कैसे करते पेंडुलम में, तो ऐसा करके खींचते तो ऊपर ऊपर करते, बराबर? क्यों नहीं, उसको ऐसा करके घुमाते जाओ, गोल 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 घुमाओ ऐसे, और छोड़ दो तो ऐसा ऐसा करके वापस वो अनवाइंड टाइप हो जाती है, देखा है? ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली कोई भी एक रिजिड बॉडी को, ये रिजिड बॉडी है कोई भी,
ठीक है, इस रिजिड बॉडी को ऐसे ऐसे करके घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ और छोड़ दो, तो वो वापस क्या करेगी, घूमेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, इसके अंदर एक टॉर्शनल टॉर्क जनरेट होता है, और सिंपल सी बात है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो यहां पे देखो, इसमें सिंपल चीज है, अल्फा आना चाहिए ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये जो टॉर्शनल टॉर्क जो होता है, जो टॉर्शनल हम लोग बोलते हैं ना टॉर्शनल, अब टॉर्शनल टॉर्क जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, तो जो टॉर्क डेवलप होगा दैट इज सी थीटा, ये मेरा टॉर्क है। ठीक है, ये टॉर्क जनरेट होगा जब थीटा में थोड़ा सा एंगल थीटा से ट्विस्ट करूंगा, इसको बोला ट्विस्टिंग, जब मैंने ट्विस्ट किया थीटा से और उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो ऐसा ऐसा करके मतलब ऐसा 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 करके ऐसे जम करेगा, मतलब ऐसा पकड़ लो ना, इस रिजिड बॉडी को मैंने ऐसा थीटा से ट्विस्ट किया और छोड़ा, तो क्या करेगा, ऐसे 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 जम करेगा। ठीक है, अब ये थीटा जो है, ठीक है, तो अब जो जो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा हो गया, और वो क्या करेगा, उसके वजह से वो घूमेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, समझ में आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई गाइस, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थीटा हो गया। तो मुझे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कितना आया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, समझ में आ रहा है क्या, ओमेगा कितना है, अंडर रूट ऑफ कितना है, सी बाय आई से टाइम पीरियड निकल गया, वेयर सी इज टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत है इसमें, वेयर सी इज टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एकदम सिंपल था, कुछ नहीं था, बस इतना ध्यान में रखना, ये होता है टॉर्शनल टॉर्क, ये टॉर्शनल कॉन्स्टेंट होगा तो ये जो ट्विस्ट की वजह से टॉर्क आया ना वो इतना होता है। ठीक है, तो होमवर्क में दिया हुआ है तो ये खत्म कर लो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज, ठीक है, ठीक है, तो ये लिख के लो, ये लिख के लो, ये लिख के लो गाइस, गाइज इतना समझ में आया, मुझे बताओ पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जनरली अपना एसएचएम खत्म हो चुका है, आप सिर्फ डैम्प ऑसिलेशन जो है ना, डैम्प ऑसिलेशन को करके रखो। देखो एक डीसी पांडे में एक चीज दिया हुआ है, उसको हम लोग लिसाजस फिगर्स बोलते हैं, लिसाजस फिगर्स करके होता है, लेकिन वो जनरली अभी अपने सिलेबस में होता नहीं, मतलब अभी देखो ना यहाँ पे जो एसएचएम मैंने करवाया तो वो मैं ना वेव के टाइम में एक बार पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो मैंने एसएचएम किया, कौन से एक्सिस के अलोंग किया, सारे एसएचएम, यहाँ पे जो सारे एसएचएम है कौन से एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, एक ही डायरेक्शन में ना। हाँ, बट व्हाट इफ एक एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस होगा, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस होगा, तो क्या होगा, मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा फोर्स है अलोंग वाई एक्सिस, या कोई और डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, समझे क्या मतलब, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो उस क्वेश्चन में जो एसएचएम जो पार्टिकल होता है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है और अलग अलग फिगर्स बनाता है, मतलब अलग अलग डायग्राम टाइप का बनाते हैं, उसको लिसाजस फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज एक है, लेकिन जब मैं वेव्स करूंगा तो एक 10 मिनट का वो चीज अंदर से एक्स्ट्रा बता दूंगा मैं। ठीक है, उसके ऊपर कभी ऐसा क्वेश्चन अलग से आया नहीं है। ठीक है, तो इतना पहले इतना समझो, मतलब इतना आपका चीज हो गया तो काफी है अभी के लिए। ठीक है, मतलब अपना एसएचएम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट मतलब क्या खत्म ही हो चुका है अभी, पूरा का पूरा एचसी वर्मा ट्राई मार लो। ठीक है, पूरा एचसी वर्मा ट्राई मार लो। एसएचएम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे गाइस, जो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के ऊपर डिपेंड होंगे, वो सब क्वेश्चन छोड़ देने का। ठीक है, एसएचएम का जो बेस है ना वो आगे 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 आते रहेगा, मतलब हर एक हर मुझे तो बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएचएम का क्वेश्चन बन सकता है, मैग्नेटिज्म में बन सकता है,
ग्रेविटेशन में बन सकता है, तो अलग अलग जगह पे एस के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी वो सब करने की जरूरत नहीं, वो जब चैप्टर आएगा तब मैं एस का क्वेश्चन वहां पर डाल दूंगा, ठीक है, अभी सब एक साथ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके सर। चलो तो अभी जितने भी जो तीनों तीन क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लो, तीनों तीन लेक्चर्स में अच्छे से देख लो एक बार एसएचएम के सारे लेक्चर्स, ठीक है, और रिवाइज कर देना, और फिर हम लोग वेव्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे, ठीक है गाइस। ओके सर, यस सर, बाय गाइस, बाय सर, गुड नाइट, बाय 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 बाय, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय।